हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। सवालों के जवाब देना हमारा काम है, हमारा नहीं। आसपास आग फैली हुई है, वो क्रिश के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन क्रिश बाकी के मानवरों का मुकाबला कर रहा है। सारा सोचती है कि अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, और उसके आसपास की आग बढ़ती ही जाती है, और उस आग को देखकर सारा धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले वहाँ जल मानवर आ जाता है और उस फैली हुई आग को बुझा देता है, और सारा को उसके पापा यानी की डॉक्टर साइको की लैब में वापस ले जाता है। तो वही वो चौथा मानवर जो पूरा का पूरा मेटल का बन चुका था, वो क्रिश के पीछे जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोस्तों, क्रिश अपनी सुपर पावर्स की मदद से उसका सामना करता है, लेकिन उस मानवर का शरीर पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ था, इसलिए उस पर क्रिश के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है, और जैसे ही क्रिश पीछे मुड़कर देखता है तो एक तरफ से आग और जल मानवर आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से वायु मानवर आ रहा था। और इसका मतलब ये है कि अब क्रिश को चारों मानवरों ने घेर लिया था। जी हाँ, और तभी शुरू होती है उनके बीच की जंग। चारों मानवर अपने अपने मेन एलिमेंट का इस्तेमाल करके क्रिश को हरा रहे थे, तो वहीं क्रिश अपने नए और अपग्रेडेड सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। उसने 5 सालों में अपने ऊपर बहुत काम किया है, और अब उसके पास हाई जंप्स और बाकी की सुपर पावर्स के साथ साथ अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज को हवा में उठाने और आयरन मैन की तरह हवा में उड़ने के भी सुपर पावर्स थे। लेकिन दोस्तों, फिर भी वो चारों मानवर काल के अंश थे, और उसमें भी डॉक्टर साइको ने उन पर कई एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, इसीलिए क्रिश अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, और जो मानवर मेटल का बना हुआ था, जो अर्थ यानी कि पृथ्वी मानवर है, वो क्रिश पर काफी बुरी तरीके से वार कर रहा था, और फिर वो आग मानवर को छूता है और खुद भी पूरा आग का बन जाता है और क्रिश को अपनी जकड़ में ले लेता है। और क्योंकि क्रिश का शूट काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बना हुआ था और वो आग को आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन तब भी क्रिश थोड़ा सा वीक होता जा रहा था। आग उसे काफी अफेक्ट कर रही थी, और इससे पहले कि वो चारों मानवर क्रिश को डॉक्टर साइको की लैब में लेकर जाते, फायर मानवर और अर्थ मानवर को एक जोर का झटका लगता है और उनकी क्रिश पर से पकड़ छूट जाती है और वो दूर जाकर कहीं गिर जाते हैं। जब क्रिश ऊपर देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मदद करने के लिए कौन आया है, और इससे पहले कि वो अपने बेटे यानी कि जूनियर रोहित, जो इस वक्त लिटिल क्रिश के अवतार में आया है और जिसने फायर और अर्थ मानवर को अपने इलेक्ट्रिक पावर्स की मदद से जोर का झटका लगाया है, उससे बात कर पाता, वायु मानवर क्रिश पर हमला कर देता है। जी हाँ, और उसके आसपास हवा का बवंडर बनाता है, और उस बवंडर में उसे उठाकर वो वहां से उड़ जाता है, और जूनियर रोहित अपने पापा के पीछे जा पाता। उससे पहले बाकी के तीनों मानवर उस पर हमला कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो अब लिटिल क्रिश कैसे करेगा उन मानवरों का सामना, और मानवरों ने क्यों बचाया आखिर सारा को, और वो कहां ले गए क्रिश को,
ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इस वीडियो पर अपने व्यूज जरूर बताएं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। ये घटना सन 1935 की है और इसी वक्त भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास भी किया गया था। उसी दौर की बात है जब विक्टर गोदार अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का फैसला लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था, मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज डिसबैलेंस हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोदार ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में काफी आधुनिक दिख रहा था। ये सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यहाँ पर पूरा काम हो रहा था। विक्टर ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां चार पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के वर्कर्स दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया, और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वो रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया था, और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन्स भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे आ गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। आपको ये टाइम ट्रैवल और भविष्य इन सब बातों के बारे में बताने का हमारा बस एक ही मोटिव है, और वो ये है कि क्रिश के मेकर्स क्रिश 4 के साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो इसी तरह की कहानी हमारे सामने लेकर आए। क्या है काल के बेटे की ओरिजिन? क्या फिल्म में फिर दिखेगी काल की कहानी? क्या था काल का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक बड़ी सुपर हीरो मूवी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उसके कैरेक्टर्स। हाँ, बेशक VFX और CGI तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ मैं फिल्म के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, और उसमें सबसे टॉप पर आते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स जो स्टोरी को और भी खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन अगर स्पेशली सुपर हीरो जॉनर की बात हो रही है तो यहाँ सुपर हीरो के साथ साथ सुपर विलेन भी बहुत मायने रखता है, और इसी कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल मिला था हमें 2013 की क्रिश 3 में, जहाँ काल के कयामत को देख सभी दीवाने हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि काल मर चुका है, क्रिश अपने बेटे को उसकी खास ताकतों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा रहा है और सब कुछ शांति से चल ही रहा है। बट अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आएगा जब शहर में एक नए सुपर पावर्ड बींग की एंट्री होगी, और ये कोई और नहीं बल्कि काल की संतान होगी। सही सुना आपने, काल के बेटे आने वाले क्रिश 4 का मेन विलन हो सकता है। अब ये कहां से आया, इसकी कहानी फिल्म में एक फ्लैशबैक में समझाई जाएगी। असल में जब काल को रोहित मेहरा के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही उन्हें किडनैप कर लिया, उन्होंने उनके बोन मैरो को चुराने के लिए। लेकिन साथ ही रोहित मेहरा उसके लिए एक खजाने की तरह थे, क्योंकि रोहित मेहरा से मिलते ही काल को अपनी ओरिजिन और डॉक्टर आर्या के एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया। और जब रोहित के DNA से बना काल इतना पावरफुल है जिसे डॉक्टर आर्या ने इतने समय पहले बनाया था, तो अब इस एडवांस्ड टेक और काल के दिमाग के साथ वो रोहित मेहरा के DNA से क्या क्या कर सकता है। अब क्योंकि काल हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट से घिरा रहा है तो उसके दिमाग में इसको लेकर कई सारे आइडियाज थे, लेकिन वो इनमें से अपना सबसे बड़ा आइडिया चुनता है जो होता है अपना एक बेटा पैदा करना। लेकिन वो इसे डॉक्टर आर्य के एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा एडवांस करना चाहता था, इसलिए वो रोहित मेहरा अपने और लैब में मौजूद कई अलग अलग स्पीशीज के DNA को आपस में फ्यूज करता है। और क्योंकि रोहित और काल का DNA सेम ही था तो बस उन स्पीशीज का इंतजार था जो उन दोनों के DNA से मैच कर सके। वो इसे अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बताता है और सभी स्पीशीज के DNA को फ्यूज करके एक बॉडी तैयार करने को कहता है। अब इसी बीच एक डॉक्टर उसे रोकता भी है,
ये कहकर कि शायद ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उसे मारकर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता है। बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बाकी सभी से अलग होता है तो इसके बॉडी जनरेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इस बीच वो रोहित मेहरा का बोन मैरो ले लेता है। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन साथ ही फिल्म के बैकग्राउंड में क्रिश फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा विलन तैयार हो रहा था। अब कैसे ये फिल्म में एंट्री लेगा, क्या होगी इसकी पावर्स और कैसे होगा इसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब हम जानेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। इसने किया रोहित मेहरा के कंप्यूटर को हैक, कौन करना चाहता है जादू और उसके प्लैनेट पर कब्जा, क्या क्रिश बचा पाएगा जादू और उसके प्लैनेट को। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, हमने आपको ये खबर तो पहले ही दे दी थी कि बहुत जल्द आने वाली है क्रिश 4। क्रिश 4 में हमें नजर आएंगे ऋतिक रोशन इन द रोल ऑफ क्रिश, वहीं उनके साथ हमें प्रिया के रूप में नजर आने वाली है प्रियंका चोपड़ा। क्रिश 4 ऋतिक रोशन की द मोस्ट अवेटेड मूवी है। हाल ही में रिलीज हुई विक्रम वेदा की सक्सेस के बाद अब सब लोगों को इंतजार है ऋतिक रोशन की क्रिश 4 का। दरअसल क्रिश सीरीज है ही इतनी बढ़िया कि क्रिश सीरीज की हर फिल्म ऑडियंस को बहुत एंटरटेन करती है, खासकर कि बच्चों को तो काफी ही पसंद आती है क्रिश की मूवीज। तो चलिए अब क्रिश 4 की हम आपको एक फैन बेस्ड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो क्रिश 4 की शुरुआत होगी ऐसे कि उसमें क्रिश और प्रिया का बेटा होगा। क्रिश 4 की शुरुआत वहीं से होगी जहां क्रिश 3 खत्म हुई थी। क्रिश 3 के एंड में हमें दिखाया गया था कि क्रिश और प्रिया का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं रोहित मेहरा। रोहित मेहरा के पास भी होती है स्पेशल सुपर पावर्स और वो उन्हीं के साथ पैदा होता है। अब रोहित मेहरा हो गया है 15 साल का और वो अपने दादाजी की तरह ही काफी समझदार और काफी पावरफुल भी है। हालांकि वो काफी इंटेलिजेंट भी है अपने दादाजी की तरह ही। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ऐसा होता है कि एक दिन अपने दादाजी की लैब में जूनियर रोहित को मिलता है एक कंप्यूटर, यानी कि उसके दादाजी का कंप्यूटर। उसमें उसे कुछ कोड्स नजर आते हैं और वो ये सोचता है कि कंप्यूटर में कोड्स कैसे। वो जाकर जब देखता है, एग्जामिन करता है, तो उसे ये समझ आता है कि कंप्यूटर में कोड्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद कोई उसका कंप्यूटर, उसके दादाजी का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहा है। वो कंप्यूटर हैक होने से तो नहीं बचा पाता, लेकिन वो पूरी जानकारी निकाल देता है कि हैक किसने किया। दरअसल उसके दादाजी का कंप्यूटर हैक हो रहा था फ्लोरिडा शहर के एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर से। वहां पर उस रिसर्च सेंटर के ओनर का नाम था जॉनस और वो रिसर्च सेंटर कोई स्पेसिफिक, कोई ऑथेंटिक रिसर्च सेंटर नहीं था। उसमें कुछ इलीगल, कई इलीगल काम भी होते दिखाई दे रहे थे। दरअसल ऐसा था कि साइंटिस्ट है जॉनस नाम का और वो ये समझ चुका है कि आने वाले कुछ सालों में धरती इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं बचेगी। इसीलिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहा है एक दूसरे प्लैनेट की, एक ऐसा प्लैनेट जो धरती से ही मिलता जुलता हो, जो धरती जितना खूबसूरत हो। तभी उसे पता चलता है जादू के प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, जादू जिस प्लैनेट पर रहता है उस प्लैनेट का नाम है हेवन और वो प्लैनेट काफी ही खूबसूरत है। सारे प्लैनेट्स में सबसे सुंदर, सबसे प्यारा प्लैनेट है वो वाला और उसका पता चलता है जॉनस को। इसी बीच ये भी पता चलता है कि उस प्लैनेट पर कोई भी एलियन बीमारी से नहीं मरता, ना ही कोई एलियन बूढ़ा होता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अमेजिंग नया प्लैनेट कैसा होने वाला है। इसी बात का पता जब चलता है जॉनस को, तो जॉनस को ये भी पता चलता है कि जादू जो था उस प्लैनेट का रेजिडेंट जादू, उसकी बातचीत हुई थी एक बार रोहित मेहरा से। रोहित मेहरा जो इंडिया में रहते थे, उनके कंप्यूटर के थ्रू उसकी और रोहित की बातचीत हुई थी। ये बात का पता जब जॉनस को लगता है तो वो वहां से बैठे बैठे रोहित मेहरा का कंप्यूटर हैक कर लेता है, सारा डेटा अपने पास चुरा लेता है और वो सिग्नल भेजकर बुलाता है जादू को धरती पर। जब जादू धरती पर आता है तो उसके बाद जॉनस कई सारे लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपनी स्पेसिफिक टीम को लेकर निकल जाता है उनके प्लैनेट पर। उनके प्लैनेट पर जाकर वो वहां का राजा बनना चाहता है,
वहाँ पर सारे प्लैनेट पर राज करना चाहता है वो। इसके बाद वो वहाँ पर राज करना शुरू भी कर देता है और धीरे धीरे करके वो इस धरती से कई सारे लोगों को उस प्लैनेट पर पहुंचा रहा है और वहाँ के एलियंस को बंदी बना रहा है। इसके बाद जब क्रिश को इस बात का पता चलता है, जूनियर रोहित ये बात क्रिश अपने पिता को बताते हैं, तो क्रिश ठान लेता है कि मुझे जादू को बचाना है क्योंकि वो जानता है जादू कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो जब अमेरिका जाता है, फ्लोरिडा जाता है, वहां पर वो जॉनस के पूरे रिसर्च लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच ये भी पता चलता है जॉनस तो अर्थ पर है ही नहीं, वो उस प्लैनेट पर बैठा है, उस प्लैनेट पर राज कर रहा है। जॉनस वहां पर जादू से कहता है, जब जॉनस को ये बात पता चलती है कि क्रिश ने पूरा लैब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो जादू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा और क्रिश का कितना कनेक्शन है, क्रिश तुम्हारे बचपन के दोस्त रोहित मेहरा का बेटा है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। इसी बीच वो ये भी कहता है कि लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तुम्हारी दी हुई स्पेशल पावर्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो सारी स्पेशल पावर्स सिर्फ धरती पर काम करती है, उसके बाहर काम नहीं करती। उतने में क्रिश एंट्री लेता है और क्रिश वहां के जॉनस के सारे आदमियों को मार देता है अपनी नॉर्मल ताकत से ही। लेकिन जब वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने जा रहा होता है तो उसकी सुपर पावर्स काम ही नहीं करते। ये देखकर क्रिश बहुत शॉक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद क्रिश पर जोरदार वार करता है जॉनस और उसे मार के गिरा देता है। क्रिश को इतनी ज्यादा चोटें लगती हैं कि वो बेहोश होने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसी बीच जादू उसको संभालने के लिए आ रहा होता है, तभी जॉनस कहता है क्रिश से कि देखो कितना सुंदर प्लैनेट है ये, इस पूरे प्लैनेट पर सिर्फ इंसानों के रहने की जगह होनी चाहिए, ऐसे एलियंस के रहने की नहीं। तुम इस एलियन के लिए, इस जादू के लिए क्यों इतनी तकलीफ सह रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस पूरे प्लैनेट पर राज करेंगे। ये बात सुनते ही क्रिश कहता है कि तुम तो इंसान हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम किसी और से उसका घर छीन रहे हो, अगर कोई इंसान होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता, ऐसे काम सिर्फ राक्षस कर सकते हैं और तुम्हारा भी अंत होगा वैसे ही जैसे शुरू से सारे राक्षसों का अंत होता आया है, तुम जीत नहीं पाओगे। ये बात सुनकर जॉनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार वार करता है क्रिश पर। क्या क्रिश इस वार को झेल पाएगा, क्या क्रिश इस वार के बाद जिंदा रह पाएगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसकी होने वाली है फिल्म में री एंट्री, कैसे बन गए जॉनी लीवर डॉक्टर, क्या है फिल्म की कहानी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 2003 में स्पेसशिप से आया जादू जिसने एबनॉर्मल रोहित की जिंदगी को बदल ही दिया और बॉलीवुड को मिल गया उसका अपना सुपर हीरो क्रिश। 2013 में आई इस फिल्म के लास्ट पार्ट के बाद अब इसके चौथे पार्ट की चर्चा जोरों पर है और आखिर कब आएगी क्रिश 4। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो इस बार की कहानी में फिल्म के पहले पार्ट से फेमस हुए किरदार जादू की एंट्री फिर से हो सकती है। वैसे तो राकेश रोशन हर वो कोशिश करते हैं जिससे फिल्म सफल हो सके और दर्शक भी खुश हो जाएं। हमें ऐसी खबर मिली है कि इस बार जादू वापस आएगा धरती पर, जिसका पता कृष्णा को हो जाता है। जादू जहां रहता है वहां पे किसी चीज़ की कमी हो जाती है जिससे उसके साथी मरने लगते हैं। ऐसे में वो कृष्णा से मदद मांगता है जिससे कृष्णा जादू के साथ उसकी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म में जादू की फैमिली और उसके बाकी के साथियों की होगी एंट्री और कृष्णा से मुलाकात। लेकिन कृष्णा जादू के परिवार की कैसे मदद करेगा ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करें ऋतिक की तो वो जितने हैंडसम और चार्मिंग दिखते हैं उनकी उतनी ही डैशिंग बॉडी है, अंदर से वो कितने कमजोर हैं इस बात का खुलासा फिल्मों के कॉमेडियन जॉनी लीवर ने किया। उन्होंने बताया कि ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार के सेट पर ऋतिक को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था और उसी समय जॉनी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और सच्चे मन से प्रे करने लगे थे जिससे वो एक ब्रदर कहलाए जाने लगे थे और केवल प्रे से ही लोगों के जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को वो सॉल्व कर देते थे। ऐसे में उनके पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ होने लगी थी। ये बात जब राकेश रोशन को पता चली
तो उन्होंने ऋतिक को इसका इलाज कराने के लिए बोला, क्योंकि ऋतिक को काफ़ी समय से पेट में तकलीफ थी, जिससे जॉनी के बुलाने में ऋतिक उनके पास गए और पूछा क्या प्रॉब्लम है, जिसमें ऋतिक ने कहा कि उनके पेट में पथरी है, जिसमें जॉनी अपनी वैनिटी वैन में बाइबल पढ़ रहे थे। तब ऋतिक ने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई, जिस पर जॉनी ने इन द नेम ऑफ जीसस बोलकर 2 मिनट के लिए प्रे की और ऋतिक का पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया, जिसे एक चमत्कार माना जाता है। इसके अलावा जॉनी ने सिंगर मिताली सिंह का इलाज करने का क्लेम किया था, जिन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनके प्रे करने पर उनका कैंसर ठीक हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको भी क्रिश 4 का इंतज़ार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कहाँ हुई थी कोई मिल गया की शूटिंग? क्या थी स्टोरी इस फिल्म की? क्या क्रिश 4 भी बनेगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज पे और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई मिल गया मूवी के बारे में और कहाँ कहाँ पर इस मूवी की शूटिंग हुई थी उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम आपको इस मूवी का रिकैप देंगे। यहाँ एक मेंटली वीक रोहित मेहरा, जिसका रोल ऋतिक रोशन ने प्ले किया था, उसे अपनी उम्र की मैच्योर नैना यानी कि प्रीति जिंटा से प्यार हो जाता है। रोहित की माँ रेखा उसका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है और पापा मिस्टर मेहरा एक साइंटिस्ट होते हैं, जिनकी डेथ मूवी के स्टार्टिंग में ही हो जाती है। मिस्टर मेहरा ने एक कंप्यूटर डिजाइन किया होता है जिससे स्पेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दोनों लीड्स मिलके ऐसे ही एलियन जादू को धरती पर बुला लेते हैं। रोहित उसकी पावर से स्ट्रांग हो जाता है और सिंगापुर चला जाता है। अपनी वाइफ के गुजरने के बाद यहीं से मूवी खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं मूवी की शूटिंग लोकेशंस की। सबसे पहले आती है नैनीताल, उत्तराखंड। इस मूवी के कई सीन्स नैनीताल की वादियों में शूट हुए, इंक्लूडिंग द टाइटल सॉन्ग। मेकर्स ने यहाँ की ब्यूटी का पूरा फायदा उठाते हुए शूटिंग करी और तब से ये ट्रैवलर्स के लिए एक बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। दूसरे नंबर पर आती है कसौली, हिमाचल प्रदेश। कसौली रोहित मेहरा का होम टाउन बना और इसकी हिस्ट्री के कारण ये प्लेस काफी चार्मिंग है। ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज यहाँ सेट करके इसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बनाया था। तीसरे नंबर पर आती है भीमताल, उत्तराखंड। भीमताल की कई सी हिस्टोरिक आइकॉनिक स्टोरीज हैं जो काफी पॉपुलर हैं। मूवी में निशा का घर यहीं पे था, जो लोकेशन नैनीताल से काफी पुरानी है। चौथे नंबर पर आती है कनाडा, कोई मिल गया का पॉपुलर गाना हाइला हाइला कनाडा में शूट हुआ था। बड़ी बड़ी बर्फ से भरी चट्टाने और साफ सुंदर नीली लेक्स इस सॉन्ग की अट्रैक्शन है। अब दोस्तों जल्दी हमें बड़े पर्दे पर इस क्रिश फ्रेंचाइजी की फोर्थ मूवी यानी कि क्रिश 4 दिखेगी। इसकी शूटिंग जून में स्टार्ट होगी और ऋतिक रोशन इसमें भी लीड रहेंगे, पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी फीमेल एक्ट्रेस लीड बनेगी। डायरेक्टर रोशन ने काफी हाई होप्स दे दी हैं हमें मूवी को लेकर और ऋतिक ने भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट किया है। क्यों मारा रेखा ने ऋतिक को थप्पड़? कैसे रिलेटेड है ये स्टोरी प्रीति की रियल लाइफ से? क्या ऋतिक बचपन में सच में हुए थे बुली का शिकार? सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कोई मिल गया। तो बिना वक्त जाया के दर्शकों शुरू करते हैं आज का वीडियो कोई मिल गया मूवी के बारे में। अब आपको तो पता ही है ये मूवी 2003 में आई थी, स्टारिंग ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा एंड रेखा। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन की है और उसके बाद इस पे कई सीक्वल्स भी बन चुके हैं और अब एक और यानी कि क्रिश 4 बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्रिश 4। ऋतिक इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं और अब इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए बात करते हैं कोई मिल गया के बारे में अब और बिना किसी डिले के। मूवी की स्टार्टिंग में रोहित मेहरा के फादर एक कार क्रैश में मर जाते हैं, जो कि रियल लाइफ में लीड एक्टर प्रीति के पेरेंट्स के साथ हुआ था जब वो सिर्फ 13 साल की थी। रोहित यानी कि ऋतिक इस मूवी में चश्मा पहनते हैं और काफी ढूंढने के बाद वो कहो ना प्यार है वाले ही स्पेक्स चूज करते हैं। लगता है वो स्पेक्स उन्हें काफी ही पसंद आ गई थी। राकेश रोशन की पहली चॉइस निशा के रोल के लिए प्रीति नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी, पर ये हो ना पाया। तो जस्ट इमेजिन उन्हें इस रोल में ऋतिक के साथ डांस करते हुए, आया ना मजा।
ऋतिक इस मूवी से पहले एक्टर बने जिन्होंने बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स दोनों ही अवार्ड जीत लिए। पर सून आफ्टर हिम रणबीर कपूर ने रॉकस्टार और अमिताभ बच्चन ने ब्लैक के लिए भी ये दोनों अवार्ड जीते। मूवी कोई मिल गया में एक सीन होता है जहां रेखा रोहित को धमकाती है और कहती है कंप्यूटर ना यूज करने को, पर रोहित नहीं मानता। ऋतिक को लगता है कि ये धमकी सिर्फ जो है स्क्रीन प्ले का पार्ट है, लेकिन एक्शन बोलते ही रेखा ने उन्हें सच में थप्पड़ मार दिया और ऋतिक दंग रह गए। ये मूवी इंडिया की तीसरी साइंस फिक्शनल म्यूजिक फिल्म बनी। डायरेक्टर राकेश रोशन, कई एक्टर्स जैसे कि ऋषि कपूर के पास गए रोहित के बाप यानी डॉक्टर मेहरा के रोल के लिए, पर नकारे गए। इसके बाद ऋषि ने उन्हें कहा कि ये रोल राकेश को खुद करना चाहिए। जब माँ को कास्ट करने की बारी आई तो राकेश चाहते थे कि रेखा ये रोल करे, पर उन्हें डर था कि वो कहीं मना ना कर दे, इसीलिए वो रेखा के घर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गए और पूरी स्क्रिप्ट सुन के रेखा इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो ये रोल करना चाहती। यही नहीं, ऋतिक के मूवी में जो भी बुलिंग सीन्स थे वो रियल लाइफ से इंस्पायर थे, स्पेशली वो साइकिल तोड़ने वाला। इस मूवी की दो एंडिंग सोची गई थी, या तो जादू अपनी शक्तियां वापस ले जाए या उन्हें यहीं पर छोड़ जाए, पर बॉलीवुड ऑडियंस को समझते हुए मेकर्स ने इस मूवी को हैप्पी एंडिंग देने की सोची। अनडाउटली ये तरकीब काम आई। हमें आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएं तो हमें कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। सो दिस इज मी अलीशा चोपड़ा योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। राइटर उत्कर्ष मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कृष के बेटे की पावर्स, क्या होंगी कृष के बेटे की पावर्स? क्या बॉलीवुड को मिलेगा एक नया सुपर हीरो? कैसे दो हीरोज को कवर करेंगे मेकर्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब से बॉलीवुड ने ऑडियंस के सामने ब्रह्मास्त्र नाम की ब्लॉकबस्टर परोसी है, उसके बाद से ही फैंस की उम्मीद बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर जग उठी है। और ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आने वाले कुछ बिग प्रोजेक्ट्स की वजह से बॉलीवुड ऑलरेडी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन बॉलीवुड में लिस्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी तो सिर्फ अनाउंस ही हुए हैं, लेकिन अभी से ही एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट किए हुए हैं। फैंस अभी से ही इन फिल्मों को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी क्रिश। इंडिया का वन एंड ओनली सक्सेसफुल सुपर हीरो क्रिश अब फाइनली वापस आने वाला है। हालांकि अभी फिल्म को लेकर सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई है और अभी से ही फिल्म को लेकर फैंस के बीच इतनी एक्साइटमेंट बनी हुई है कि फैंस फिल्म को लेकर काफी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऋतिक अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी हैं कि फाइनल ईयर तक और मिड तक वो इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी उनकी विक्रम वेदा के बाद वो उनकी नेक्स्ट ईयर आने वाली फाइटर की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद ही वो क्रिश की शूटिंग पर वर्क कर पाएंगे। फिलहाल फिल्म को लेकर कई सारे सवाल फैंस के मन में आ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या इस बार फिल्म में ऋतिक 2 सुपर हीरो के रोल में दिखेंगे? क्योंकि अगर हम कहानी पर फोकस करें तो आने वाली फिल्म में हमें क्रिश और उसका बेटा रोहित दोनों ही सुपर पावर्स में दिखेंगे और ऐसे में ये सवाल बहुत कॉमन है कि क्या ऋतिक क्रिश के साथ साथ एक और सुपर हीरो के रोल में भी दिखेंगे। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि अब उन्हें डॉक्टर मेहरा के रोल को प्ले नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो अपने बेटे का यंग कैरेक्टर आसानी से प्ले कर सकते हैं। बट ये बॉलीवुड की वन एंड ओनली मूवी होगी जिसमें हमें एक से ज्यादा सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि फिल्म में हमें क्रिश के साथ साथ उसके बेटे की भी सुपर पावर्स देखने को मिलेंगी। बट एक सवाल और जो फैंस के बीच मैटर ऑफ डिस्कशन बना हुआ है कि आखिर क्रिश के बेटे की सुपर पावर्स क्या होंगी? तो अब इसके जवाब में थ्योरीज तो कई मिली लेकिन फैक्चुअल आंसर्स का सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली पावर है फ्लाइंग एबिलिटी। क्रिश की तरह वो सिर्फ कूदकर हवा में नहीं उड़ सकता बल्कि डायरेक्टली हवा में फ्लोट भी कर सकता है। साथ ही कुछ सोर्सेस का कहना है कि क्रिश के बेटे में उसके पिता से भी ज्यादा एडवांस पावर्स होंगी, यानी जिस एबिलिटीज की वजह से हम क्रिश को जानते हैं हमें उसके बेटे में वो सब और भी एडवांस लेवल पर देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल फिल्म में हमें क्रिश का बेटा खुद क्रिश से बेटर दिखने वाला है। अब उसके पास एक्चुअली कौन कौन सी सुपर पावर्स होंगी? क्रिश के सपने और डायरी का सच, क्या है डायरी का राज? क्यों परेशान है कृष्णा? क्यों डरा रहे हैं कृष्णा
को उसके सपने। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कृष्णा की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, और जैसा कि हमने अब तक की स्टोरी डिस्कस की, जिसमें हमने अब तक जाना कि कैसे कृष अपने बेटे रोहित को एक अननोन और इनविजिबल सुपरनैचुरल बीइंग से बचा लिया है, जिसका सामना खुद रोहित नहीं कर पा रहा था, जो पावर्स के कंपैरिजन में कृष से भी दो कदम आगे था, और कैसे घर लौटने के बाद कृष्णा तुरंत ही अपने लैब में भागा बिना किसी को कुछ बताए, और थोड़ी देर बाद उसने अपने लैब में एक डायरी निकाली जिसमें कुछ पढ़ने थे, और वो जब उसने पढ़े वो बहुत ज्यादा घबरा गया, और इस पूरे इंसिडेंट को प्रिया ने पीछे से देख लिया। और अब यहाँ प्रिया अचानक से उसके सामने आती है और पूछती है, ये क्या हो रहा है कृष्णा, रोहित इतनी बुरी तरह घायल है, तुम भी बिना उसे देखे लैब में आ गए, और ये कैसी डायरी है? वो और कुछ पूछ पाती इससे पहले रोहित जोर से डायरी को टेबल पर पटक देता है और अपने सिर पर दोनों हाथ रख कर बैठ जाता है। वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अच्छी खासी टेंशन में दिख रहा होता है, जिसे देखकर प्रिया भी समझ जाती है कि उसे कोई चीज परेशान कर रही है। अब यहाँ प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके सामने बैठ जाती है, और बिना कुछ बोले ही उसे उसके मन की बात पूछने लगती है। कृष्णा समझ जाता है कि उसकी परेशानी की वजह से प्रिया भी परेशान हो रही है। वो प्रिया के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब सच होगा। प्रिया उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिसके जवाब में कृष्णा फिर गुस्से में खड़ा हो जाता है और तेज आवाज में कहता है, हाँ इसमें मेरी ही गलती है, ये मेरी ही गलती है कि इसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे ये सब पता था, पहले से ही पता था कि ये सब होगा, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। प्रिया फिर उससे पूछती है, क्या नहीं बताया कृष्णा, और तुम्हें ये सब पहले से पता था, ये सब क्या बोल रहे हो? इसके जवाब में कृष्णा कहता है, हाँ मुझे ये सब पता था, असल में जब काल से लड़ने के लिए पापा ने मुझे अपनी शक्तियां दी और खुद को कुर्बान कर दिया, तब उन्होंने सिर्फ अपनी शक्तियां मुझे नहीं दी थी, बल्कि वो खुद मुझसे जुड़ गए थे। ये सब समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन पापा अभी भी मेरे साथ है, मुझे वो महसूस होते हैं, मेरे मन में, मेरे दिमाग में। शुरुआत में मुझे ये सिर्फ पापा की याद जैसा लगा कि शायद मैं उन्हें याद करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है, पर धीरे धीरे मुझे उनकी यादें दिखने लगी, उनकी मेमोरीज मेरे सपनों के रूप में मेरे सामने आने लगी। प्रिया पूछती है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जिसके जवाब में कृष्णा कहता है, इसका मतलब ये प्रिया की पापा की यादें और उनकी बातें मुझे अपने सपनों में दिखाई पड़ती है। शुरुआत में मुझे ये सिर्फ एक इत्तफाक सा लगा, फिर जब मैंने देखा कि मेरे सपनों में सिर्फ पापा की आवाज और उनकी नजरों से देखा गया वो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने इन सब चीजों को लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगा हो सकता है पापा मुझे कुछ बताना चाह रहे हों, और एक दिन मुझे कुछ ऐसे बातें पता चली जिन्हें मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो सब भी मैंने इस डायरी में लिखी, पर वो कुछ ऐसा था जिसे मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कभी हकीकत बनकर मेरे सामने भी आ जाएगा, पर आज जो हुआ उसके बारे में मैं पहले से ही जानता था। अब आखिर कृष्णा ने अपने सपने में इस अननोन बीइंग के बारे में क्या देखा था और क्या क्या था जो उसके पापा ने उसे बताया था, ये सब हम जानेंगे, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि अभी तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही खुला है, अभी तो कई नए राज सामने आने बाकी है। क्या प्रियंका होंगी फिल्म का हिस्सा? कौन करेगा फिल्म में आइटम सॉन्ग पर डांस? बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन यूं तो हमेशा अपने लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में होने की वजह उनके लुक्स नहीं बल्कि उनकी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिश फ्रेंचाइजी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिश 4 के बारे में। ये एक सुपर हीरो फिल्म है और इसे ऑडियंस खूब पसंद करती है, क्योंकि इस फिल्म से हमें इंडिया का पहला सुपर हीरो मिला था। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्रिश 3 ने ऑडियंस के बीच खूब कमाल किया था, और अब जल्द ही इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट रिलीज होने वाला है। इस फिल्म को हमेशा की तरह डायरेक्टर राकेश रोशन ही डायरेक्ट करने वाले हैं, और फिल्म में लीड रोल के तौर पर हमें हमारे ऋतिक रोशन ही नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें फिल्म में काम करने वाली फीमेल लीड एक्ट्रेस की, तो इसमें हमें पीसी यानी हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का चेहरा नजर आ सकता है। ऑडियंस ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया था, और अब ये जोड़ी जल्द ही वापसी कर रही है बड़े पर्दे पर। इसी के साथ आपको बता दें कि इस फिल्म में भी बाकी फिल्मों की तरह एक आइटम सॉन्ग होगा, और इस आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने कई नामी और पॉपुलर एक्ट्रेसेस को अप्रोच भी किया है।
हमें मिली खबर के मुताबिक इस फिल्म में हमें बॉलीवुड की टाइग्रेस कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती हैं। और इतना ही नहीं, इस सॉन्ग पर हमें ऋतिक रोशन भी बीच बीच में उनका साथ देते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऋतिक रोशन और पीसी स्टारर ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमा घरों में रिलीज की जा सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड। वक्त और जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। डायरेक्टर राकेश रोशन लेकर आए थे। डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश 3 मूवी बनाई थी। ये फिल्म लगभग 7 साल पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबेरॉय समेत कई नामी कलाकार शामिल थे। और अब मेकर्स फिल्म के अगले पार्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अगले पार्ट में प्रियंका चोपड़ा ऋतिक रोशन के साथ मेन लीड में अभिनय करती हुई नजर आ सकती हैं। फिल्म में काम कर रहे लीड एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि ऋतिक रोशन एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। इन दोनों एक्टर्स को एक साथ कई बार देखा जा चुका है और यही वजह है कि लोग इन पे रिलेशनशिप की उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि अभी इन दोनों सेलेब्स में से किसी ने अपने रिलेशनशिप की कंफर्मेशन नहीं दी है, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ऋतिक अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक्टर ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन और पिता राकेश रोशन हाल ही में मुंबई के एक मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। खबर है कि ये दोनों वहां महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए गए थे। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। हालांकि ऋतिक रोशन इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए थे अपने बिजी शेड्यूल के कारण। राकेश रोशन जल्द ही फिल्म क्रिश 4 लेकर आ रहे हैं। इस बाप बेटे की जोड़ी ने कई सारी फिल्में साथ में की हैं, और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म क्रिश 4 में ये दोनों क्या कमाल करते हैं। मेकर्स जल्द ही फिल्म क्रिश 4 का काम शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर राकेश रोशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल कायनात में वेलकम। कौन गाएगा फिल्म में गाना, किसकी तारीफ की ऋतिक रोशन ने? बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके फैंस भी अब उनकी इस लव लाइफ में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ऋतिक जल्द ही शादी करने वाले हैं? क्या उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो भी र्यूमर्स हैं, क्या वो सब सच है? क्या वाकई ऋतिक रोशन की जिंदगी में आ चुकी है एक हसीना? ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ आए दिन कहीं ना कहीं नजर आते हैं। वो कभी डिनर डेट पर तो कभी एक दूसरे के घर पर नजर आते हैं। बॉलीवुड में फिल्म क्रिश से अपनी सुपर हीरो की पहचान बना चुके ऋतिक रोशन इन दिनों सुपर हीरो से मजनू बनते जा रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के हर पोस्ट पर कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें ऋतिक रोशन ने लिखा शानदार, जिसे देखने के बाद उनके फैंस भी उस पोस्ट पर कमेंट्स करने लगे। और इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन सबा आजाद की लगभग हर पोस्ट पर कमेंट्स करते हैं और उनकी ढेर सारी तारीफें भी करते हैं। ऋतिक के इस रवैये को देखकर तो यही लगता है कि सबा आजाद और ऋतिक रोशन वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो दोनों जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं।
ऋतिक रोशन इन दिनों सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर के शूट में बिजी हैं। लेकिन जैसे ही इस फिल्म की शूट का काम कंप्लीट हो जाएगा वो अपनी सबसे सुपरहिट फिल्म सीरीज क्रिश 4 को लेकर बिजी हो जाएंगे और उसका शूट जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस फिल्म में भी सीरीज की बाकी फिल्म्स की तरह हमें बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे, जिसके लिए मेकर्स ने बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल जोड़ी सचेत परंपरा को अप्रोच किया है। इतना ही नहीं, सचेत और परंपरा के साथ साथ इस फिल्म में हमें नेहा कक्कड़, विशाल मिश्रा और जुबिन नौटियाल भी गाने गाते हुए नजर आ सकते हैं। राकेश रोशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमा। तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूं। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। से अलग कब तक आ सकता है क्रिश 4 का टीजर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। खैर दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ने क्रिश मूवी के सारे पार्ट्स तो देखे ही होंगे। इसके हर पार्ट में हमें एक नई और अलग स्टोरी देखने को मिलती है। मेकर्स ने जब क्रिश का पहला पार्ट कोई मिल गया निकाला था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो आगे इसके पार्ट्स और भी निकालेंगे, तभी इसका नाम कोई मिल गया रखा गया था। लेकिन जब मेकर्स ने देखा कि कोई मिल गया को लोगों ने बहुत पसंद किया है और ये मूवी सुपरहिट हो गई है, तब उन्होंने इसके बाकी पार्ट्स भी निकालने के बारे में सोचा। अब तक के इस मूवी के सारे पार्ट्स हिट ही गए हैं। बात करें क्रिश 3 की, तो ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। क्रिश 3 की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। इस मूवी में जो मास्क ऋतिक रोशन ने यूज किया था वो वैक्स का बना हुआ था, और इस एक मूवी में ऐसे टोटल 600 मास्क यूज हुए थे। इस मूवी में कंगना रनौत का बॉडी सूट जो हमें फिल्म में देखने को मिला था वो रबड़ का बना हुआ था, जिसे डिजाइनर्स को बनाने में 45 दिन लगे थे। क्रिश 3 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और इस बार क्रिश मूवी के 15th एनिवर्सरी पर मेकर्स ने सभी फैंस को क्रिश 4 की अनाउंसमेंट करके सरप्राइज दे दिया था। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी इस मूवी को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। इस मूवी को इतना प्यार मिलने का सबसे बड़ा रीजन था इसकी स्टोरी। दरअसल क्रिश इंडिया की ओनली सुपर हीरो मूवी है। यूजुअली सुपर हीरो मूवीज हमें हॉलीवुड में ही देखने को ज्यादा मिलती है, लेकिन क्रिश के डायरेक्टर राकेश रोशन ये आइडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में लेकर आए और एक नए तरीके की स्टोरी दिखाई, जिसमें लोगों का काफी इंटरेस्ट आने लगा। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की कई मूवीज अपकमिंग हैं, जैसे क्रिश 4, फाइटर एंड विक्रम वेधा। अब बात करें विक्रम वेधा और क्रिश 4 की, तो इन दोनों की स्टोरी एक दूसरे से काफी अलग होने वाली है। क्रिश 4 एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में है, जिसमें हमें एक ऐसा इंसान देखने को मिलेगा जिसमें सुपर पावर्स हों, लेकिन ऐसा विक्रम वेधा में नहीं होने वाला। इस मूवी की स्टोरी एक पुलिसमैन पर बेस्ड होगी जो रियल लाइफ से रिलेट करती होगी। क्रिश 4 किसी हॉलीवुड या साउथ मूवी की रीमेक नहीं होगी। ये मूवी ओरिजिनली रिटन होगी, लेकिन विक्रम वेधा 2017 में आई तमिल मूवी विक्रम वेधा की ही रीमेक होगी। विक्रम वेधा हमें क्रिश 4 के पहले 30 सितंबर 2022 को थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। ये दोनों मूवी ही अपने आप में काफी अलग होने वाली हैं। आपको बता दें कि तमिल की मूवी विक्रम वेधा ब्लॉकबस्टर मूवी थी। बॉलीवुड मूवी विक्रम वेधा के डायरेक्टर गायत्री और पुष्कर हैं। इन दोनों ने तमिल की विक्रम वेधा को भी डायरेक्ट किया था। बात करें क्रिश 4 मूवी के टीजर की, तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस मूवी की अभी शूटिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इस मूवी की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। स्क्रिप्ट तैयार होते ही मेकर्स क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। इस मूवी का टीजर हमें जुलाई या फिर अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है।
और फिलहाल ऋतिक रोशन भी अपनी आने वाली मूवी विक्रम वेधा की शूटिंग में काफी बिजी हैं। उस मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद ही वो क्रिश 4 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप क्रिश 4 और विक्रम वेधा को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तक क्रिश 3 मूवी की फीमेल विलन काया कौन से हॉलीवुड सुपर हीरो कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी? कंगना से पहले किसे काया का रोल मिला था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल और सुपर हीरो क्रिश के बारे में। क्रिश 4 मूवी लगभग ऑन बोर्ड है और जल्द ही मेकिंग में आ जाएगी। मूवी से लेकर कुछ रूमर्स ये हैं कि इस मूवी में कंगना का भी एक रोल हो सकता है, एक नया मानवर के तौर पे, जैसा कि क्रिश 3 में हुआ था। एस काया क्रिश 3 मूवी में काल के रूप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी विवेक ने, तो वहीं काल के सपोर्टिंग एंटागोनिस्ट के रोल में देखा गया था काया को, जिसके रोल को कंगना रनौत ने निभाया था। कंगना ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज कर दिया था, लेकिन रोल के लिए भी कंगना पहली चॉइस नहीं थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काया के रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले चित्रांगदा सिंह को अप्रोच किया था। यहाँ तक कि चित्रांगदा ने तो किकबॉक्सिंग के लेसन लेने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में चित्रांगदा को क्वीन कंगना ने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, जैसे कि काल के किरदार का सीधा कनेक्शन था हॉलीवुड की फेमस सुपर हीरो मूवी सीरीज एक्समैन के मैग्नेटो के साथ, वैसे ही कंगना के कैरेक्टर का काया का भी एक्समैन मूवी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था और उनके किरदार को बिल्कुल मिस्टिक की तरह तैयार किया गया था। बात करें कंगना के कॉस्ट्यूम के बारे में, तो वो एक रबर लेटेस्ट सूट था जिसे 45 दिन में तैयार किया गया था और उस ड्रेस को फाइनलाइज करने के लिए लगभग 25 स्केच तैयार किए गए थे और तब जाके वो कॉस्ट्यूम फाइनल किया गया। एक इंटरव्यू में कंगना ने रिवील किया था कि उन्हें हर शूट से पहले 1-2 घंटे तक तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। कौन से रिमार्क ने किया खान्स को अपसेट? कौन कौन सी है ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज? नमस्कार, बॉलीगार्ड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के क्रिश ऋतिक रोशन, जो अपनी अमेजिंग एक्टिंग और डांस के लिए जाने जाते हैं और वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऋतिक के रिमार्क ने किया खान्स को अपसेट? और क्या आप जानते हैं कि कौन सा है वो कमेंट? आइए हम बताते हैं आपको। दरअसल बात ऐसी है कि क्रिश और उनकी रियल लेडी प्रियंका चोपड़ा जोनस करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंचे थी, जहाँ उनसे एक क्वेश्चन में सलमान खान और आमिर खान में से किसी एक को चूज करना था। पर क्या आप जानते हैं कि इसके आंसर में क्या बोले ये सुपरस्टार? ऋतिक ने चीखी रिप्लाई करते हुए कहा कि इसमें चॉइस जैसा कुछ नहीं है, सलमान और आमिर दोनों की हाइट लगभग सेम है, जिसे सुनकर प्रियंका भी शॉक होकर जोर जोर से हंसने लगी। और अगर लोग मेरे इस रिमार्क से नाराज होते हैं तो मुझे कहना होगा कि हमारे पास ह्यूमर की कमी है। उनका कहना था कि मेरे इस कमेंट के तुरंत बाद मेरा अगला स्टेटमेंट यही था, यही एक लौता डिपार्टमेंट है जहां मैं दोनों खान से ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। आखिर में ऋतिक ने दोनों खान्स को ऑसम टैलेंट बताते हुए कहा कि वो दोनों लेजेंड्स हैं, मुझे कई साल लगे हैं उनके आसपास पहुंचने में। अब ये तो ऋतिक ही जाने कि उनका ताना था या मजाक, पर इतना तो पक्का है कि ऋतिक ऐसे किसी रिमार्क से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो फाइटर, विक्रम वेधा और क्रिश 4 में नजर आएंगे। इसके अलावा वो रोहित धवन की अनटाइटल मूवी और क्रिश 5 में भी दिखाई देंगे। क्रिश 4 सुपरस्टार का बिगेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हर एज ग्रुप के लोग वेट करते हैं, चाहे वो बच्चे हो या यंगस्टर्स या फिर ओल्ड एज। इस फिल्म का मैजिक सब पर चलता है। मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नौरा फतेही और नमन जैन शामिल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिल्म क्रिश सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट है, तो देखना होगा कि इस बार क्या क्या नया करते हैं राकेश रोशन इस फिल्म में।
जल्दी ये फिल्म आपको एंटरटेन करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको ऋतिका ये चीकी कमेंट। ऐसे हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। किस प्लेटफॉर्म पर हो सकती है मूवी रिलीज? क्या होगा इस मूवी का सोशल इम्पैक्ट? कौन होगा इस मूवी का सिंगर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। क्रिश 4 मूवी में हमें ऋतिक रोशन का सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों रोल देखने को मिल सकता है। इस मूवी में खबर आई है ऋतिक रोशन हमें 4 रोल करते दिखाई देंगे। इस फिल्म में हमें कियारा आडवाणी भी एज अ फीमेल सुपर हीरो देखने को मिल सकती है और ये भी हमें एक्शन करती दिखाई देंगी। इसको लेके अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। आपको बता दें कि इससे पहले ये न्यूज आई थी कि क्रिश 4 में हमें ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण देखने को मिल सकती है, लेकिन मेकर्स ने इस न्यूज को गलत बता दिया था। अब ये देखना होगा कि क्या कियारा आडवाणी सच में देखने को मिलेंगी या फिर ये भी कोई फेक न्यूज है। क्रिश 4 मूवी 2023 की स्टार्टिंग में रिलीज होगी। इसके पहले हमें ऋतिक रोशन की बाकी 2 फिल्म विक्रम वेदा और फाइटर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन काफी बेटर हो गई है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी हमें थिएटर में देखने को मिल सकती है। मुंबई के सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं और अब हमें जल्दी ही सारे मूवीज थिएटर्स में देखने को मिलेगी। क्रिश 4 एक एक्शन मूवी है जिसको थिएटर में देखने का अलग ही मजा होगा। कोविड के सिचुएशन की वजह से सभी मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलती थी, लेकिन खबर की माने तो मेकर्स का कहना है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही कंट्रोल में रही तो क्रिश 4 को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज किया जाएगा ताकि ऑडियंस इस मूवी को अच्छे से एंजॉय और फील कर सके। बात करें क्रिश 4 मूवी के सोशल इम्पैक्ट की तो इस मूवी में हमें टाइम ट्रैवल और एलियन देखने को मिलेगा और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये रियल में होना पॉसिबल नहीं है, तो इस मूवी को लोग एज अ अनरियलिस्टिक स्टोरी ही लेंगे। इस मूवी में हमें एक अलग दुनिया और वहाँ की स्टोरी देखने को मिलेगी। इस मूवी का सोशल पे बहुत पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है। कुछ लोग इस मूवी के खिलाफ है, उनका मानना है कि जब कोई चीज़ सच नहीं हो सकती तो उसे दिखाने का भी कोई फायदा नहीं, ये तो फिर एक तरीके से टाइम वेस्ट हो गया। ये दिखाकर तो उन्हें एक झूठी उम्मीद दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसा है जो हमारी डेली लाइफ से अलग है। भले ही वो चीज़ें सच ना हो लेकिन उसको फील करने में क्या बुराई है। ये मूवी एक सुपर हीरो की है जो सबको विलन से बचाता है, जो टोटली अनरियलिस्टिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। क्रिश 4 मूवी के म्यूजिक कंपोजर राकेश रोशन है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक कंपोजर है। इन्होंने इसके पीछे भी कई मूवीज के म्यूजिक कंपोज किया है। क्रिश 3 में हमें टोटल 7 सॉन्ग सुनने को मिले थे जिसे काफी फेमस सिंगर ने गाया था। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी हमें क्रिश 4 कुछ ऐसे ही फेमस सिंगर्स के सॉन्ग्स इस फिल्म में सुनने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे। कायनात में क्या होगी फिल्म की स्टोरी, क्या होगा फिल्म का बजट, कौन होगा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। क्रिश 4 ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी है। इस मूवी की रिलीज डेट 2023 की है। इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन हीरो और विलन दोनों का रोल करते नजर आएंगे। फिल्म की लीड एक्ट्रेस में हमें ऋतिक रोशन के साथ कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है। फिल्म को राकेश रोशन डायरेक्ट करेंगे।
इस मूवी में हमें कोई मिल गया का जादू भी देखने को मिल सकता है। ये मूवी एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें फैमिली ड्रामा और टाइम ट्रेवल देखने को मिल सकता है। जब से क्रिश 4 की अनाउंसमेंट हुई है तब से सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगी क्रिश 4 की स्टोरी। क्रिश 4 का पहला पार्ट कोई मिल गया में ऋतिक रोशन ने रोहित का रोल प्ले किया था जिसमें वो एलियन से मिलता है और बाद में एलियन अपने प्लेनेट पे जाते जाते रोहित को अपनी सुपर पावर्स दे देता है। क्रिश के सेकंड पार्ट क्रिश में हमें रोहित का बेटा कृष्णा देखने को मिलता है जो अपनी सुपर पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताता और एक सर्कस में जब बच्चे फंस जाते हैं तब वो मास्क लगाकर बच्चों की जान बचाता है जिसके बाद वो मास्क मैन के नाम से जाना जाता है। कृष्णा की यही स्टोरी क्रिश के थर्ड पार्ट क्रिश 2 में कंटिन्यू रहती है। अब बात आती है क्रिश के पार्ट 4 क्रिश 4 की, तो खबर ये आ रही है कि इस मूवी में हमें कृष्णा का बेटा जिसका नाम रोहित है वो देखने को मिलेगा और उसमें भी उसके पापा की तरह सुपर पावर्स होंगी और वो भी वर्ल्ड को सभी मुश्किलों से बचाएगा। ऋतिक रोशन की ये फिल्म वॉर के बाद हम सबको ही इनकी दूसरी एक्शन मूवी का इंतजार था। क्रिश फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया की ओनली सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है, तभी तो क्रिश की मूवी के हर पार्ट का बजट काफी ज्यादा जाता है। इस बार भी क्रिश 4 का बजट इसके बाकी पार्ट से ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि इस बार मूवी में हाई VFX और ग्राफिक्स का यूज किया जाएगा। इस मूवी का बजट 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब तक क्रिश के सभी पार्ट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा गया है और मूवी भी हिट हुई है। हम उम्मीद करते हैं क्रिश 4 का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा हो और ये भी सुपर हिट हो। बात करें अगर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर की तो खबर ये आई है कि क्रिश के बाकी पार्ट्स की ही तरह इस पार्ट को भी राजेश रोशन, सलीम मर्चेंट और सुलेमान मर्चेंट ही कंपोज करने वाले हैं। राजेश रोशन बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं। इन्होंने इससे पहले कई मूवीज जैसे जूली, कहो ना प्यार है, करण अर्जुन और कुवारा बाप के भी म्यूजिक कंपोज किए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक बार फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी फिर वो फिल्म के म्यूजिक पर काम करना शुरू करेंगे। और जब राजेश रोशन से पूछा गया कि क्या फिल्म में हमें ऋतिक रोशन का भी कोई सॉन्ग सुनने को मिलेगा तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस बार क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का एक सॉन्ग तो आएगा ही आएगा जिसको खुद ऋतिक रोशन ने गाया होगा। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने इससे पहले भी कई मूवीज जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सेनोरिटा और तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्या क्रिश 4 में होगा पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट? आखिर कौन होगा क्रिश का दुश्मन क्रिश 4 में? रोहित मेहरा से ऐसी कौन सी गलती हुई कि हमें दो क्रिश देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चहीते सुपर हीरो के बारे में और वो है डायरेक्टर राकेश रोशन द्वारा तैयार की गई क्रिश फ्रेंचाइजी के लीड सुपर हीरो क्रिश। सभी बच्चों के क्रिश का क्रेज बहुत ही ज्यादा है और आखिर हो भी क्यों ना, इंडिया का सबसे स्पेशल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है क्रिश। क्रिश फ्रेंचाइजी में अब तक कुल 3 मूवीज बनी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। मूवी डायरेक्टर राकेश रोशन अब तैयार है क्रिश 4 के साथ और उनके इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा नए प्लान्स भी हैं। जैसे कि इस मूवी को लेकर ये अपडेट्स हैं कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन यानी कि हमारे मेन सुपर हीरो क्रिश का दुश्मन भी क्रिश ही है, मतलब कि इस मूवी में ऋतिक रोशन का डबल रोल होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्रिश 4 में दो क्रिश कैसे होंगे जिसमें से एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। क्रिश 3 मूवी में हमने देखा कि किस तरह क्रिश के डैड रोहित ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो कि जिंदगी को दोबारा जिंदा कर सकता है और उसी डिवाइस की मदद से रोहित मेहरा ने अपने बेटे क्रिश को मूवी में दोबारा जिंदा किया था। उसी तरह रोहित मेहरा क्रिश 4 में डायमेंशंस के बारे में खोज करते हैं और पैरेलल स्पेस की गहराइयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो पैरेलल स्पेस के दरवाजे खोल देते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं।
लेकिन दरवाजे खुलने पर एक्चुअल डायमेंशन में एक और क्रिश आ जाता है जो कि किसी और डायमेंशन से होता है और वो सीधा पॉजिटिव क्रिश के ऊपर अटैक करता है। दोनों ही क्रिश बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और किसी एक को जीतना लगभग नामुमकिन जैसा है। वहीं दूसरी तरफ रोहित मेहरा एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं ताकि वो नेगेटिव क्रिश को उसी डायमेंशन में दोबारा भेज सके, क्योंकि ऐसा करने से ही डायमेंशंस के बीच का बैलेंस बना रहेगा। लेकिन दूसरा क्रिश ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से मूवी में एक नहीं बल्कि दो क्रिश देखने को मिल सकते हैं और वो भी एक दूसरे के दुश्मन। अगर राकेश सर ऐसा कॉन्सेप्ट शोकेस करते हैं तो बॉलीवुड में ये पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की एंट्री एक बहुत ही शानदार कंटेंट होने वाला है। आपको क्या लगता है नेगेटिव क्रिश की एबिलिटीज क्या होंगी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राकेश रोशन क्रिश 4 के हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई क्रिश 4? कौन होगी क्रिश 4 की हीरोइन? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस महामारी की दस्तक से पहले कई सुपर हीरो फिल्मों का ऐलान किया था। इन फिल्मों के ऐलान ने दर्शकों में उम्मीद जगा दी थी कि अब उन्हें सुपर हीरो फिल्मों के लिए हॉलीवुड स्टार्स का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। फैंस की यही खुशी बहुत ही जल्द उदासी में तब्दील हो गई। कोरोना काल में ये सभी सुपर हीरो फिल्में ठंडे बस्ते में चली गईं। इन फिल्मों को बनाने का रिस्क कोई भी निर्माता नहीं लेना चाहता। कोरोना की वजह से फिल्मों की कमाई ठप पड़ी हुई है, जिस कारण निर्माताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो किसी मेगा बजट सुपर हीरो फिल्म को फ्लोर पर लेकर आएं। वैसे तो सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन हमें ऐसे समय में एक सुपर हीरो फिल्म देने वाले थे, लेकिन उन्हें भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 23 जून 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म की 15वीं सालगिरह पर ऋतिक ने इसकी फ्रेंचाइजी के बारे में ऐलान किया था। जैसे ही ये हिंट आया तो सबके दिल में एक ही सवाल था कि कौन हो सकती है क्रिश 4 की हीरोइन। आपको बता दें कि क्रिश 3 में हमने कंगना रानौत, प्रियंका चोपड़ा को देखा था। प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड की एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं और ऐसे में उनका इस फिल्म के अगले पार्ट में होना मुश्किल लग रहा है। और वहीं दूसरी ओर कंगना रानौत और ऋतिक रोशन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वो एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। इन सब वजहों के चलते हो सकता है कि क्रिश 4 में हमें कोई नया चेहरा दिखाई दे। आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइजी के अनाउंसमेंट खुद ऋतिक रोशन ने की थी। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या लिखकर हिंट किया था कि अगली फ्रेंचाइजी पर काम शुरू हो गया है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो फैंस खुशी से पागल हो गए, लेकिन वो क्या जानते थे कि ये खुशी सिर्फ दो पल की है, क्योंकि हाल ही में राकेश रोशन ने क्रिश 4 पर कहा, मैं महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। हम जिस फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, मैं नहीं चाहता कि वो अटक जाए। महामारी में फिल्मों का कारोबार बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है, इसीलिए मैं इसमें कूदना नहीं चाहता। अब आजकल कोरोना के हालचाल को देखकर लग रहा है कि इस पैनेडेमिक को एंड होने में कुछ ही समय बचा है, और ऐसे में इसका मतलब ये हो सकता है कि क्रिश 4 इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्रिश 4 मूवी के स्क्रिप्ट राइटर आखिर कौन होने वाले हैं? राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्टोरी के लिए किसकी मदद ली थी? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो जॉनरे को एक नया मुकाम तक पहुंचाने वाले सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश के बारे में।
आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, तो वो हॉलीवुड के फेमस हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएगा। मगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो है क्रिश का। सो सही समझे आप दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्म्स बन चुकी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। दोस्तों आपको बता दें कि डायरेक्टर राकेश रोशन क्रिश 4 की स्क्रिप्टिंग के ऊपर काफी मेहनत से डिटेलिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो क्रिश फैंस की उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरना चाहते हैं और स्क्रिप्टिंग का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पे उठाया है और उनकी मदद कर रहे हैं दो बहुत ही ज्यादा प्यारे और राकेश रोशन के दिल के करीब हेल्पर्स। तो दोस्तों अब ये दो लोग हैं हिरदान और रिहान, यानी कि राकेश रोशन के ग्रैंडसन्स। राकेश रोशन दोनों से डिस्कस करते हैं और उनकी सुपर विजन को स्क्रिप्ट में उतारने की कोशिश करते हैं, जहां भी उनके आइडियाज फिट हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राकेश रोशन के ग्रैंडसन्स का मेजर रोल होने वाला है मूवी के विलन और क्रिश के बेटे को डिटेलिंग देने में, क्योंकि क्रिश कैरेक्टर को क्रिश मूवी और क्रिश 3 मूवी में काफी ज्यादा एस्टैब्लिश किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश 4 मूवी के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी में एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों क्रिश के बेटे को भी एक न्यू सुपर हीरो के अवतार में दिखाया जाएगा। और यही काम आएंगे दोस्तों राकेश रोशन के दोनों ग्रैंडसन्स, क्योंकि उनके सुपर माइंड में एक सुपर विलन तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑसम थ्योरीज होंगी, जो कि राकेश रोशन के लेजेंडरी विजन के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड मास्टरपीस जरूर बनाएगी। दोस्तों अब कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया अप्रोच है राकेश रोशन द्वारा की गई, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों में सुपर हीरोज जॉनरे को लेकर आइडियाज का पूरा भंडार होता है, इमेजिनेशंस में वो कुछ भी सोच सकते हैं और राकेश को जो भी आइडियाज अच्छे लगेंगे वो उन्हें एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन के लिए रेफर करेंगे। अब आपके राकेश रोशन के स्क्रिप्टिंग के आइडिया के बारे में क्या विचार है हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही दोस्तों कहाँ है बिट्टू सरदार और कौन है अनुज पंडित शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी अग्रवाल और आज हम आपके ऐसे ही कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक कोई मिल गया का वो क्यूट सरदार बच्चा क्या आप में से किसी को याद है, जिसने की थी फिल्म में ऋतिक रोशन के सबसे अच्छे दोस्त की एक्टिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिट्टू सरदार की। फिल्म में बिट्टू सरदार का किरदार निभाने वाले अनुज पंडित शर्मा अब बड़े हो गए हैं और वे इतने हैंडसम लगने लगे हैं कि लड़कियां उन पर अब जान छिड़कने लगी है। अनुज पंडित शर्मा अब 25 साल के हो चुके हैं और अपने आकर्षक लुक से हर किसी को अपना दीवाना बना रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट भी शेयर की थी। अनुज पंडित शर्मा ने अपनी ये पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर करी है, जिसमें उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी है और वो काफी जच रहे हैं। उनके दोनों हाथ उनके पॉकेट में हैं। साथ ही में पिक्चर का कैप्शन लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि तेरे मरने पर बहुत रोएंगे, तेरे रोने पर कौन मरता है। अनुज के फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में अनुज को फायर और स्माइल इमोजी के साथ ढेर सारा प्यार बरसाया है। कमेंट सेक्शन में उनके फैंस ने लिखा है किलर लुक, तो किसी ने लिखा है जबरदस्त लुक। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि क्या ये वही बिट्टू है। अनुज पंडित शर्मा ने भी वक्त निकाल कर अपने फैंस के कमेंट्स पर दिल से रिप्लाई किया है। गौरतलब है कि अनुज पंडित शर्मा को आखिरी बार फिल्म टोटल सियापा में देखा गया था। इसके अलावा वे टीवी शो परवरिश के सेकंड सीजन में भी नजर आए थे। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिश 4 में अनुज पंडित शर्मा हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूं।
कौन होगी क्रिश फोर की नई एक्ट्रेस, कौन था फीमेल लीड का रिप्लेसमेंट, क्रिश फोर में दिखेगी कौन सी जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राम स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। भारत का पहला सुपर हीरो, हमारा और आपका क्रिश, जिसने टीवी दुनिया में आते ही तहलका मचा दिया। लोग उसे ऐसे पसंद करने लगे कि एक के बाद एक फ्रेंचाइज बनती ही चली गई। अब एक बार फिर क्रिश की फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारे सामने आने वाली है, जिसकी खबर खुद ऋतिक रोशन ने क्रिश के 15 साल पूरे होने पर दी थी। बता दें, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 सुपरहिट फिल्मों में से एक है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करते नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्रिश 4 में फीमेल लीड के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद प्रियंका नहीं बल्कि मैं हूं ना की एक्ट्रेस अमृता राव थी। क्रिश 4 की चर्चाओं के बीच अमृता राव ने बताया कि उन्हें इससे पहले वाली फिल्म में कास्ट किया गया था, लेकिन उनके और ऋतिक रोशन के बीच केमिस्ट्री कुछ खास जम नहीं रही थी, इसीलिए अमृता ने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया था। साथ ही इंटरव्यू में अमृता ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राकेश रोशन को उनका काम पसंद आता है। तब अमृता ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि जल्द ही वो राकेश रोशन के साथ काम करें, मगर उनकी ये इच्छा आज तक पूरी नहीं हो सकी। जी हाँ, ऋतिक के साथ अब की बार अमृता राव नजर आने वाली है। बता दें, अमृता राव ने इश्क विश्क, विवाह, मैं हूं ना, लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले काफी दिनों से क्रिश 4 की चर्चा चल रही है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद ऋतिक ने की थी। लेकिन जहां क्रिश 4 की फीमेल लीड का सवाल आता है, तो अब की बार एक बार फिर से अमृता राव अपनी केमिस्ट्री को ऋतिक के साथ फिट करने की कोशिश करेंगी, और उम्मीद है जिस तरह की केमिस्ट्री फिल्म में उन्हें चाहिए। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कौन होगी क्रिश की हीरोइन? क्या दिखाया जाएगा क्रिश के बच्चे को? और आखिर मार्वल को टक्कर देने आया है कौन? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड के 100 साल से अधिक के सिनेमाई सफर में क्रिश वो नाम है जिसे पर्दे के पहले सुपर हीरो का दर्जा मिला है। हॉलीवुड में मार्वल और डीसी के फिल्मों में भले ही एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज है, लेकिन हमारा देसी क्रिश भी किसी से कम नहीं है। साल 2006 में पहली बार हम दर्शकों ने क्रिश को देखा था। दोस्तों, ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों लेकिन बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता था। साल 2013 में जब क्रिश 3 रिलीज हुई थी, तो उसकी तुलना सुपरमैन से होने लगी थी। यही कारण है कि क्रिश 4 की खबरें मिलते ही एक बार फिर हर किसी के जहन में मास्क वाले सुपर हीरो की यादें ताजा हो गई है। दोस्तों, बता दें कि बॉलीवुड एक्टर्स ऋतिक रोशन जल्द ही क्रिश 4 में नजर आने वाले हैं, और फिल्म के लिए तैयारियां तेज से शुरू हो गई हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो गया है, और राकेश रोशन इस पार्ट पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। हालांकि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। बता दें कि क्रिश 4 में कियारा अडवाणी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि मेकर्स और राकेश रोशन कियारा को फिल्म में लेना चाहते हैं, और उनसे बातचीत भी शुरू हो गई है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कियारा ने ऋतिक के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। लेकिन साथ ही इससे पहले खबर थी कि फिल्म में कृति सैनन लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दे सकती है, लेकिन कृति के पास पहले से ही काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कृति के पास 5 बड़ी फिल्में हैं जिसमें वो काम कर रही हैं। ऐसे में अब कियारा अडवाणी के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस रेस में अभी दोनों ही एक्ट्रेस बनी हुई हैं। ऐसे में मेकर्स के सभी नेत्री को फाइनल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि ऋतिक रोशन फिल्म वॉर के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं। और दोस्तों, बता दें कि फिल्म वॉर पिछले साल में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी थे, और खबर ये भी है कि ऋतिक के पास हॉटस्टार 5 का भी कोई शो है जिससे वो डिजिटल डेब्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कियारा दे पाएंगी प्रीति और प्रियंका को टक्कर? हमें तुम्हारी
तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। कैसे हुआ फायदा, क्यों होता है कैरेक्टर्स के कपड़ों पर कॉपीराइट, क्रिश 4 में अब कैसी होगी ड्रेस, क्रिश की कॉस्ट्यूम जो सबसे अलग थी जिस पर सबका दिल आ गया था, इतना ही नहीं उसकी कॉस्ट्यूम्स पर राखी, कॉमिक्स, कार्टून, टॉयज आदि बनने लगे थे, साथ बच्चों के लिए बाजार में उसकी जैसी कॉस्ट्यूम बिकने लगी थी। लेकिन क्या हुआ उस रियल क्रिश की कॉस्ट्यूम का, क्या क्रिश 4 में भी वही कॉस्ट्यूम होगी यूज? बता दें कि फिल्म स्टार जो भी पहन लेते हैं वो फैशन ट्रेंड हो जाता है, जैसा क्रिश की कॉस्ट्यूम के साथ हुआ। उसके मास्क और ड्रेस को लेकर अब उसे पहनकर बच्चे खुद को सुपरमैन समझ लेते हैं, और हो भी क्यों ना, बड़े बड़े नामी डिजाइनर्स उनके कपड़े बनाते हैं और सबके चहेते स्टार उन्हें पहनते हैं। ऐसा भी होता है जब एक्टर सेट पर किरदार में आने के लिए ये कपड़े खरीद कर पहनते हैं। कई बार हाई प्रोफाइल डिजाइन फिल्म के बाद अपने कपड़े वापस ले लेते हैं। मनीष मल्होत्रा और अंजू मोदी ज्यादातर फिल्मों के लिए अपने डिजाइन किए गए कपड़े वापस ले लेते हैं। कई बार चैरिटी के मकसद से सितारों के कपड़ों की नीलामी भी की जाती है। लेकिन क्रिश 4 में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब की बार क्रिश 4 में ऋतिक की ड्रेस पर दोबारा से काम किया जाएगा। बेशक उसका कलर सेम ही होगा, लेकिन कपड़ों के लुक में थोड़ा चेंज लाया जाएगा। लेकिन वो चेंज क्या हो सकता है, ये जल्द ही आपको पता चलेगा हमारी आने वाली वीडियोज में, तो जुड़े रहे हमारे वीडियोस के साथ। अब मैं आपकी होस्ट पलक आपसे विदा लेना चाहूंगी, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको आज का कैसा था क्रिश 3 में कंगना का रोल, कितने दिनों में बनी थी ये रबड़ की ड्रेस, क्या काया से ही इंस्पायर्ड होगा वंडर वुमन का किरदार? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, दिस इज योर होस्ट पलक एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। क्रिश 4 के आने की न्यूज ऑलरेडी आउट हो चुकी है और लोगों को ऋतिक की वो पोस्ट देखने के बाद फिल्म से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। सभी जल्द से जल्द फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, फैंस की रिक्वेस्ट पर क्रिश और वंडर वुमन के साथ लाने की बात चल रही है, और क्रिश 3 में भी ऐसा ही एक लेडी है जिसे देख कर लोग शॉक्ड रह गए थे। बता दें कि लोगों को क्रिश 3 का ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें कंगना रनौत के किरदार से ही थी। कंगना रनौत ने क्रिश 3 में एक सुपर वुमन का किरदार निभाया था और उसके किरदार का नाम था काया। कंगना रनौत का किरदार आधा इंसान और आधा जानवर था। अब इस किरदार को निभाने के लिए कंगना ने काफी मेहनत भी की थी। इस किरदार के लिए जो ड्रेस डिजाइन की गई थी वो बहुत ही ज्यादा टाइट और बहुत ही लेटेक्स रबर से बनी हुई थी। इस ड्रेस को पहनकर शूटिंग करने में कंगना को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी, और उन्हीं सारी मुश्किलों को झेल कर कंगना आगे बढ़ी। खुद ड्रेस डिजाइनर गोविंद ने कहा था कि कंगना रनौत ने जो सूट पहना है उसे पहनकर शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि ये ड्रेस बॉडी से एकदम चिपकी रहती थी और रबर से बने होने की वजह से काफी गर्म भी थी। लेकिन इसके बावजूद कंगना ने इस ड्रेस को पहनकर शूटिंग की और सभी को हैरान कर दिया। कंगना के लिए ये फिल्म काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस फिल्म से कंगना रनौत के करियर को भी अच्छा ब्रेक मिला था, इसलिए कंगना ने अपने किरदार को निभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। कंगना ने सुपर वुमन दिखने के लिए हर संभव कोशिश की थी। क्रिश 3 के ट्रेलर के बाद जो सराहना मिली थी कंगना वाकई उसके लायक भी थी। बता दें कि कंगना रनौत ने क्रिश 3 में जो ड्रेस पहनी थी उससे बनाने में पूरे 45 डेज का टाइम लगा था, वो भी 25 अलग अलग डिजाइन देखने के बाद आखिरकार ये सूट को सिलेक्ट किया गया। अब इस ड्रेस को डिजाइन किया था डिजाइनर गोविंद ने, और राकेश रोशन ने इसे सूट बनाने के लिए डिजाइनर को हेल्प भी किया था। उनकी मदद से ही गोविंद इस सूट को बना पाए। अब एक बार ऐसा ही और रबड़ का सूट तैयार किया जा रहा है, वो भी क्रिश 4 में पहनने के लिए। लेकिन अफसोस है कि वो सूट पहनने का मौका कंगना को नहीं मिलेगा, बल्कि हॉलीवुड के वंडर वुमन को मिलेगा। हालांकि जब दो सुपर फिल्म मर्ज हो
बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे? कायनात में क्या नया होगा क्रिश 4 में? किसका रोल वापस आएगा क्रिश 4 में? कौन बुलाएगा जादू को उसके घर से वापस? किन बातों को जोड़ा गया है कहानी में? ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 को लेकर दर्शकों में काफी चर्चा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस पहले सुपर हीरो को लेकर एक बार फिर फैंस काफी उतावले हैं उन्हें पर्दे पर देखने के लिए। फिल्म की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए इस बार निर्माता निर्देशक राकेश रोशन एक कहानी में ट्विस्ट पिरोने वाले हैं। यानी कि उनमें से एक ये भी हो सकता है कि इस बार कृष के पिता यानी कि रोहित मेहरा की वापसी हो सकती है। लॉकडाउन के समय का भी राकेश रोशन ने काफी यूज किया था। लॉकडाउन के दौरान राकेश रोशन ने स्क्रिप्ट पर भी काफी काम किया है और इनमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जोड़ी है। क्रिश सीरीज की इस चौथी फिल्म में ऋतिक का किरदार कृष्णा यानी कि क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा से मिलने के लिए टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। यानी कि ऋतिक एक बार फिर फिल्म में डबल रोल में दिखने वाले हैं। क्रिश के एलियन दोस्त जादू की भी वापसी हो सकती है, जिसके बारे में पहले भी खबरें आ चुकी है और इसकी डिटेल वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखी है कि कैसे जादू का किरदार बना और कैसे उसकी ड्रेस बनी। तो जानने के लिए देख डालिए वो वीडियो भी। और सीधी सी बात है कि अगर जादू फिल्म में आएगा तो रोहित का भी होना जरूरी है, क्योंकि जादू से कांटेक्ट करने के लिए रोहित का होना भी जरूरी है। समझ लीजिए ये फिल्म क्रश फ्रेंचाइजी का कनेक्टिंग पार्ट होने वाला है। सारी कड़ियों को आपस में जोड़ा जाएगा और तोड़ने वाले भी होंगे इस मिशन में, लेकिन जोड़ने वालों की सेना ज्यादा ताकतवर होगी क्योंकि उनके साथ होंगे रोहित मेहरा और जादू। बता दें कि ऋतिक को भी ये आइडिया पसंद आया है। इसके लॉक होते ही राकेश रोशन ने अपने भाई राजेश रोशन से इसके संगीत पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और खास बात ये भी है कि क्रिश 4 को बड़े स्केल पर डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते उसके VFX के काम के लिए शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से भी बात चल रही है। क्रिश 4 में कई सारे सुपर विलन आने की उम्मीद है जो क्रिश से मुकाबला करेंगे। फिल्म में इनके लुक्स को असरदार ढंग से दिखाने के लिए हॉलीवुड डिजाइनरों से भी संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन साथ ही बुरी खबर ये भी है कि इस बार प्रियंका चोपड़ा या प्रीति इस चौथी इंस्टॉलमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन कौन लेगा फिर उनकी जगह? कौन होगा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस? तो बता दें कि उनकी जगह कियारा आडवाणी से बात की जा रही है। अब उनकी हाँ होगी या ना, ये जान कैसे पड़ा क्रिश 4 का टाइटल? कौन होगी क्रिश 4 में लीड एक्ट्रेस? कौन लगाएगा फिल्म में कॉमेडी का तड़का? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रांड स्टूडियोज की एक खास पेशकश में, जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म क्रिश 4 को लेकर। उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं। कुछ सुपरहिट होती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे में कम ही फिल्में होती हैं जो ऑडियंस के दिल में सालों साल जगह बना पाती हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की क्रिश। बात करें क्रिश फिल्म की तो क्रिश फिल्म को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो चुके हैं। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी, बल्कि बॉलीवुड में भी यह पहली सुपर हीरो फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद सुपर हीरो क्रिश ऐसा मशहूर हुआ कि फिल्म का चौथा पार्ट आने जा रहा है। फिल्म के एक्शन सीन से लेकर रोमांटिक सीन तक सब कुछ ब्लॉकबस्टर रहा। आलम यह तक था कि क्रिश भारत का वो सुपर हीरो बन गया जिसके मास्क से लेकर टी शर्ट और कॉस्ट्यूम की अलग मार्केट हो गयी। क्रिश ऋतिक रोशन की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, और हो भी क्यों ना। इसके लिए ना सिर्फ मेकर्स ने जी तोड़ मेहनत की थी, बल्कि कास्ट और क्रू मेंबर ने भी जबरदस्त मेहनत की थी। बता रहे सुन में ऋतिक को कई तरीके की इंजरी से गुजरना पड़ा था। एक स्टंट में ऋतिक रोशन के हाथ का और पैर का अंगूठा टूट गया था। इस स्टंट के लिए ऋतिक ने 25 दिन की ट्रेनिंग ली थी।
उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि जिसे सीखने में लोगों को एक साल लग जाता है उसे ही ऋतिक रोशन ने एक महीने से भी कम वक्त में सीख लिया। जो ट्रेनिंग अब क्रिश 4 में काम आएगी, भले ही एक्शन सीक्वेंस अलग हो लेकिन उनकी टेक्निक एक ही होगी। साथ ही बता दें क्रिश 4 में फिल्म के लिए पहली पसंद प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि अमृता राव है। वहीं बात क्रिश की कास्टिंग की करे तो एतराज के दौरान राकेश रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को देखा तो उन्हें क्रिश में लेने का मन बना लिया था। हमने सभी वीडियो में क्रिश के फैक्ट की बात की है लेकिन क्रिश का नाम और टाइटल कैसे बना या कभी आपको बताया नहीं, तो आज आपको बता दें कि फिल्म का प्रोडक्शन की कई फिल्मों की तरह इस फिल्म का नाम भी कैसे रखा जाना था। इसी के चलते इस फिल्म का नाम क्रिश पड़ा और मिला हमें क्रिश नाम का एक सुपर हीरो। लेकिन बता दें जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो इसका नाम रखा गया था कोई तुमसा नहीं। इसके बाद इसका टाइटल बना कैसा जादू किया, लेकिन फाइनल इसे क्रिश नाम दिया गया और तब से इस फिल्म की फ्रेंचाइज चल रही है। इसी फ्रेंचाइज में एक और पार्ट मिलने जा रहा है जो है क्रिश 4। अब की बार इस फिल्म में राजपाल यादव भी दिखाई देने वाले हैं जो कि फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा जब चलेगा जादू कॉमेडी का, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो चार्ल्स, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो तारों में रहने वाले लोगों से बातें क्या करते थे। कायनात में वेलकम। कैसे पड़ा क्रिश 4 का टाइटल? कौन होगी क्रिश 4 में लीड एक्ट्रेस? कौन लगाएगा फिल्म में कॉमेडी का तड़का? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की खास पेशकश में, जिसमें आज हम बात करेंगे फिल्म क्रिश 4 को लेकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ हर साल कई फिल्में बनती हैं। कुछ सुपरहिट होती हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे में कम ही फिल्में हैं जो ऑडियंस के दिल में सालों साल जगह बना पाती हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की क्रिश मूवी। बात करें क्रिश मूवी की तो क्रिश मूवी को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर की ही, इसके साथ बॉलीवुड की सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म के बाद सुपर हीरो क्रिश ऐसा मशहूर हुआ कि इस फिल्म का चौथा पार्ट भी आने जा रहा है। फिल्म के एक्शन सीन से लेकर रोमांटिक सीन तक सब कुछ ब्लॉकबस्टर रहा। आलम यह तक था कि क्रिश भारत का वो सुपर हीरो बन गया जिसके मास्क से लेकर टी शर्ट और कॉस्ट्यूम की अपनी मार्केट हो गई। क्रिश ऋतिक रोशन की सबसे सफल फिल्मों में से एक है और हो भी क्यों ना, इसके लिए ना सिर्फ मेकर्स ने जी तोड़ मेहनत की थी बल्कि इसके कास्ट और क्रू मेंबर ने भी जबरदस्त मेहनत की थी। वहीं अगर बात क्रिश की कास्टिंग की करे तो एतराज के दौरान राकेश रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को देखा तो उन्हें क्रिश में लेने का मन बना लिया था। हमने सभी वीडियो में क्रिश फैक्ट की बात की है लेकिन क्रिश का नाम और टाइटल कैसे बना या हमने कभी आपको बताया नहीं, तो आज आपको बता दें फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन की कई फिल्मों की तरह इस फिल्म का नाम भी कैसे रखा जाना था। इसी के चलते इस फिल्म का नाम पड़ा क्रिश और मिला हमें क्रिश नाम का एक सुपर हीरो। लेकिन बता दें जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसका नाम रखा गया कोई तुमसा नहीं। इसके बाद फिल्म का टाइटल बना कैसा जादू किया और अंत में इसे क्रिश नाम दिया गया। तब से इस फिल्म की फ्रेंचाइज चल रही है। इस फ्रेंचाइज में एक और पार्ट मिलने जा रहा है जो है क्रिश 4। इसमें अब की बार राजपाल यादव भी दिखने वाले हैं। Thank you.
मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्रश फोर जैसी और कितनी मूवीज हैं जो बनी हैं हॉलीवुड में। स्काईफॉल में ऐसा क्या दिखाया जो जेम्स बॉन्ड हुए इस फिल्म। पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आ गई। देखो देखो क्रिश, काश पापा यहाँ होते। वो यही है, मैंने हमारी बेटी का नाम रोहित रखा। कैसे होगी जादू की वापसी, क्या खासियत होगी क्रिश फोर के सुपर विलन में, किन दो हीरोइंस के बीच कंफ्यूज है डायरेक्टर राकेश रोशन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। जादू जाएगा जादू भी चला जाएगा, ये थे हम सभी के प्यारे और दुलारे एलियन जादू की आखिरी बोली जब वो रोहित मेहरा को छोड़कर अपने प्लैनेट पर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद भी रोहित के पास जादू द्वारा दी गई शक्तियां रह जाती हैं और फिर देश को मिलता है अपना पहला सुपर हीरो 2006 में क्रिश के रूप में, जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको एंटरटेन किया अपनी खास सुपर पावर से। और अब 2021 के जाते जाते क्रिश ने एक बार फिर अपने फैंस को खुशखबरी दी है कि वो लौट रहे हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने पिता के दोस्त के साथ वापस आ रहे हैं। जी हाँ, हम भी आपकी तरह काफी एक्साइटेड हो उठे थे जब हमने भी सुना कि जादू की अर्थ पर वापसी हो रही है। वही सोचिए क्या होगा अगर पीके यानी आमिर खान ही कोई मिल गया का जादू हो, जो इस बार वो भेष बदल कर इंसानों के बीच रहने आया है। अब हमने तो कभी असली का ना तो UFO देखा है और ना ही कभी एलियन देखा है, क्या मालूम एलियंस के पास रूप बदलने की शक्ति हो, या क्या पता वो एक हाइब्रिड स्पीशीज हो जो हमारी और आपकी तरह हो, बस उनकी ऋतिक रोशन की तरह कुछ एक्स्ट्रा या कम उंगलियां हो। वहीं हर स्पेसशिप से जुड़ा एक रिमोट होता है जिसके थ्रू ये एलियन अपना वेकेशन एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर मनाते नजर आते हैं। वहीं कोई मिल गया में जिस तरह जादू धरती पर ही छूट गया था, उससे तो यही लगता है कि एलियंस की स्पेसशिप की मैनेजमेंट भी विस्तारा और एयर इंडिया वालों से अच्छी नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे जादू का जादू रोहित मेहरा से उसके बेटे कृष्णा में ट्रांसफर तो हो गया। फिर कृष्णा ने पूरी कोशिश की वो एक हैंडसम सुपरमैन प्लस बैटमैन का कॉम्बो बनकर भारतीय जनता को इम्प्रेस कर सके, और यकीनन उनका ब्लैक केप, ब्लैक मास्क और ग्रीन आईज ने सबका दिल जीत लिया। मजे की बात यह है कि कृष द्वारा पहना गया वो मास्क मोम यानी वैक्स का बना हुआ है और अक्सर शूटिंग के दौरान वो पिघल जाया करता था, जिस वजह से ऋतिक के लिए करीबन 300 से 400 मास्क्स बनवाए गए। क्रिश और क्रिश 3 को याद करें तो दर्शकों को डायरेक्टर राकेश रोशन ने क्रिश में कृष्णा की सुपर पावर से मिलवाया था कि वो उड़कर हीरोइन को बचा सकता है और एरोप्लेन को भी रोक सकता है, बहती नदी से मछलियां पकड़ सकता है और तो और हाई जंप्स लगाकर एक नदी को पार कर सकता है। वहीं फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को क्रिश के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया, तो क्रिश 3 की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहली बार सुपर हीरो के सामने सुपर विलन काल को पेश किया गया, जिसकी भूमिका में विवेक ओबेरॉय ने उम्दा काम किया था। फिल्म में काल के हाइब्रिड क्रिएचर्स जैसे काया, जो एक्समैन की रेवन से इंस्पायर्ड थी और जो अपना रूप बदल सकती थी, साथ ही फिल्म में एक एंटमैन भी था। ऐसे ही काल के साथ उसके कई हाइब्रिड क्रिएचर्स थे, लेकिन अंत में जीत हमारे क्रिश की ही हुई। अब वही क्रिश 4 में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। इस बार फिल्म को हॉलीवुड की मशहूर फिल्म बैक टू द फ्यूचर से मिलता जुलता दिखाया जाएगा, जहां क्रिश जादू से मिलने पास्ट में जाएगा और सबसे छुपते छिपाते उसको प्रेजेंट में ले आएगा। इसके पीछे भी क्रिश का एक मकसद है। वहीं हो सकता है इसी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंफ्यूजन में हम भी कंफ्यूज हो जाएं कि असली क्रिश कौन है। रोहित और जादू की बॉन्डिंग एक बार फिर फिल्म में देखने को मिल सकती है। वहीं जादू क्रिश के एक टच से उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री देख लेगा एकदम पीके की तरह। क्रिश 3 की एंडिंग में हमने कृष्णा के बेटे को देखा था जिसके पास भी सुपर पावर्स हैं। वाह, हॉलीवुड तो अलग अलग सुपर हीरोज बना रहा है, वहीं इंडिया एक ही सुपर हीरो का वंश आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कैसे मजा आएगा बिना किसी रुकावट के। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस बार एक ऐसा सुपर विलन एंट्री ले रहा है जिसकी नजरों में लेजर है, रफ्तार में फ्लैश है और सांसों में बर्फीली ठंडक। कुछ ऐसा ही है हमारा ये सुपर विलन। वहीं सुपर विलन को कोई एक्टर नहीं बल्कि AI की मदद से क्रिएट किया जा रहा है। हो सकता है इसे किसी बड़े हीरो का चेहरा दिया जाए। वहीं जादू के मास्क को भी AI की तकनीक की वजह से मोशन में लाया गया था, हालांकि उसके अंदर एक इंसान ही छुपे थे जो थे इंद्रवन पुरोहित, जिनकी 2014 में मौत हो गई थी। वहीं इस बार जादू के किरदार के लिए स्टार प्लस के मशहूर हॉरर शो कोई है कि गबरू यानी के गोस्वामी को लेने की बात चल रही है,
गोस्वामी भी कई सीरियल और फिल्मों में नजर आए हैं और इनके चेहरे से भी कोई अनजान नहीं। और अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिश में कोई रोमांटिक एंगल नहीं होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए फिल्म में कियारा आडवाणी या यामी गौतम में से किसी को लेने की बात पर चर्चा है। यामी ने ऋतिक और राकेश रोशन की 2017 में आई फिल्म काबिल में अभिनय किया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्या क्रिश 4 को लेकर राकेश रोशन ने अपनी चुप्पी तोड़ी? क्या कहा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्रिश 4 को लेकर? क्रिश 3 के 7 साल पूरे होने पर कैसा पोस्ट किया था ऋतिक रोशन ने? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के इकलौते सुपर क्रिश का एक एनिमेशन शेयर किया था। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, मानव का उत्थान होना चाहिए, कारण स्वयं अनुभव है। ऋतिक के किरदार से जुड़ी हर चीज ट्रेंड बन गई, चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो, यहाँ तक कि उनका ब्लैक मास्क भी ट्रेंड में शामिल हो गया था। क्रिश फ्रेंचाइजी की सफलता के साथ निर्माता चौथी किश्त की योजना बना रहे हैं और प्रशंसक अपने सुपर हीरो की वापसी को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हीरो के साथ साथ इस बार विलन्स की क्या सुपर पावर्स होंगी। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। आखिर कैसी चल रही है क्रिश 4 की तैयारी? क्या कहा राकेश रोशन ने फिल्म के म्यूजिक को लेकर और किससे टकराएगा क्रिश 2023 में? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड के हमारे अपने ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, है के दोस्तों। जब से उन्होंने वर्ष 2000 में फिल्म की एक झलक पेश करते हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी दीपिका पादुकोण के साथ मेरी पहली उड़ान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो बता दूं कि इसे सिद्धार्थ आनंद तैयार करने वाले हैं। दूसरी ओर लव रंजन की ऑफिस के बाहर एक्ट्रेस को देखे जाने के बाद पहले दीपिका पादुकोण को लव रंजन की फिल्म में कास्ट किए जाने की खबर थी। हालांकि दोस्तों, इस फिल्म में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी, यानी कि 2023 काफी खास होगा। लेकिन देखना ये है कि 2023 से पहले क्या क्रिश बनकर तैयार हो जाएगी। जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। होने वाला है फिल्म क्रिश 4 का सुपर विलेन? क्रिश 4 2000 तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्या एवेंजर्स की तरह टाइम ट्रैवल कर सकता है क्रिश?
क्या क्रिश 4 में एक नया यूनिवर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं राकेश रोशन? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राकेश रोशन देश की पहली सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश की फोर्थ इंस्टॉलमेंट को बेहतर बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। और इसी बीच खबरें बताती हैं कि आने वाली फिल्म में क्रिश को एवेंजर्स एंडगेम फिल्म की तरह भूतकाल में पीछे जाते हुए देखा जाएगा। क्रिश का पास्ट में जाने का मकसद अपने मरे हुए पिता वैज्ञानिक रोहित मेहरा को वापस लाने का रहेगा। पिछले कुछ महीनों से लगातार इस फिल्म को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। जब से ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 रिलीज हुई है, उसके बाद से ही ऋतिक रोशन चौथी फिल्म को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें गले के कैंसर से भी जूझना पड़ा, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए उन्हें लॉकडाउन में भरपूर वक्त मिला। मीडिया रिपोर्ट्स माने तो राकेश रोशन इस फिल्म में सुपर विलन्स की सेना खड़ी करना चाहते हैं। जैसा कि सिनेमा का समय बदल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए राकेश रोशन अपनी इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर पूरा ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, राकेश रोशन अपनी इस मूवी के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर काम करने की जिम्मेदारी शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को दे रहे हैं। इसके अलावा वो फिल्म के विलन्स को डिजाइन करने के लिए एक हॉलीवुड डिजाइनर को हायर करेंगे। इस मूवी में नया यूनिवर्स बनाकर ऋतिक रोशन को ही हीरो और विलन बनाएंगे, साथ ही साथ एक फिल्म सुपर हीरोइन भी होगी। राकेश रोशन ने इन सभी मामलों के बारे में चुप्पी साध रखी है। वो फिलहाल अपनी फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं लाना चाहते। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो फिलहाल के लिए पटकथा पर काम कर रहे हैं और पूरी होने के बाद ही सूचित करेंगे। बता दें कि क्रिश 3 वर्ष फिल्म रही है, जिसमें एक एलियन आता है अंतरिक्ष और अपनी जीवन की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करता है। ये बात लोगों को काफी नई और काफी सुपर हीरोइक लगी थी, जिसके कारण ये फिल्म काफी हिट रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए राकेश रोशन की लीड एक्ट्रेस के लिए पहली चॉइस प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि कोई और थी, और उनका नाम है अमृता राव। वैसे तो प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन क्रिश 3 में लोगों को काफी पसंद आए हैं। क्रिश की जितनी भी फ्रेंचाइजीज रही है, उसमें यही दोनों की जोड़ी दिखाई पड़ी है, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई है। दोनों रोमांस करते नजर आए हैं, दोनों कई सारे सॉन्ग्स में डांस करते भी नजर आए हैं, और लोग उनको देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या क्रिश 4 में भी होने वाली है प्रियंका चोपड़ा? ये बात तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या क्रिश 4 कहाँ शूट हुई है या कहाँ शूट होने वाली है, तो ये भी जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। वैसे क्रिश की सारी फ्रेंचाइजीज की फिल्म भारत और कुछ भी अन्य देशों में शूट हुई है। क्रिश 4 की चर्चाओं के बीच अमृता राव ने कई सारी बातें बताई। उन्होंने बताया एक ऐसा रीजन जिसके कारण उन्होंने क्रिश को छोड़ दिया था। अमृता राव और ऋतिक रोशन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं जम रही थी। दोनों के बीच एक फोटोशूट भी हुआ था, लेकिन उस फोटोशूट में अमृता राव क्रिश से काफ़ी छोटी लग रही थी, और इसका यही रीज़न है कि अमृता राव ने ऋतिक रोशन के साथ उस फिल्म को ना करने का फैसला ले लिया। वो कहती हैं कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। पर उन्हें इस बात की ज़रूर खुशी है कि राकेश रोशन को उनका काम पसंद आया था, और उनकी ये बहुत इच्छा है कि राकेश रोशन के साथ वो काम भी करें, हालांकि वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें, अमृता राव ने कुछ ऐसी फिल्म जैसे कि इश्क इश्क, विवाह, मैं हूं ना, लाइफ हो, तो ऐसी ऐसी कई सारी शानदार फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रूप में दिखाई पड़ी है। उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन अब जब क्रिश 4 इतनी चर्चा में है, तो उसका अनाउंसमेंट हम आपको बता ही देते हैं। क्रिश 4 के मेन लीड एक्टर्स, इनका अनाउंसमेंट बहुत पहले ही हो चुका था, जो कि ऋतिक रोशन ही होने वाले हैं। अब उनके साथ फीमेल लीड में हमें दिखने वाली है अमृता राव। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक बार फिर से अपनी केमिस्ट्री जमाने की कोशिश करने वाले हैं। होपफुली इस बार उनकी केमिस्ट्री जम जाए, और जैसी उनको फिल्म में चाहिए वैसे ही कुछ अच्छी सी केमिस्ट्री मिले उनको। अगर आप एक्साइटेड हैं पहली बार ऋतिक रोशन और अमृता राव को साथ में देखने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि बॉलीवुड की कोई भी अपडेट्स आपसे जल्द से जल्द पहुँच पाए और आपसे मिस भी ना हो पाए। सुपर हीरो क्रिश ऐसे मशहूर हुए कि इस फिल्म का फोर्थ पार्ट भी आने जा रहा है। फिल्म
सबसे बड़ा चैन। क्या वाकई क्रिश 4 से वापसी करेगा इंडिया का सबसे चहीता एलियन? क्रिश 4 के लिए लोगों की एक्साइटमेंट संभाले नहीं समझ रही। इसके कई कारण है। सुपर डैशिंग ऋतिक का इसमें होना, क्रिश 3 से फिल्म का स्टार अलग लेवल पर पहुंच जाना, टाइम ट्रैवल की खबरें, फिल्म में सुपर वुमन की होने की खबरें और सबसे स्पेशल फिल्म में हम सबके चहीते जादू की वापसी, जो कि एक बार फिर धूप खा खा कर विलन्स को बैंड बजाने के लिए तैयार है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही हर तरफ जादू के चर्चे होने शुरू हो गए हैं। इसमें कई जगह पर हमने जादू को हिंदी सिनेमा का फर्स्ट एलियन कहा जाता सुना है। तो क्या वाकई जादू हिंदी सिनेमा का फर्स्ट एलियन है या फिर सिर्फ फर्स्ट पॉपुलर हिंदी एलियन है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जादू हिंदी सिनेमा का पहला एलियन नहीं है। इस ब्लू फेस येलो कोट वाले क्यूटी से पहले भी हिंदी सिनेमा में एलियंस देखे जा चुके हैं, वो भी इस फिल्म की रिलीज के 34 साल पहले, साल 1967 में, जब एनियन सारी की हिंदी साइंस फिक्शन फिल्म वहाँ के लोग रिलीज हुई थी। हालांकि ये एलियंस इतने फ्रेंडली नहीं थे और थोड़े लालची भी थे, जिन्हें धूप की जगह अमीरों के हीरो में दिलचस्पी थी। और ये तो इतने बिजनेस माइंडेड थे कि अपनी इस दिलचस्पी को पाने के लिए अर्थ के विलेन से ही हाथ मिला बैठे थे। वो बात अलग है कि इंसानों की 5 उंगलियों के सामने इन्हें अपनी 3 उंगलियों से ही काम चलाना पड़ा, लेकिन पार्टनरशिप काफी अच्छी तैयार हुई थी। कुछ समझ आया? नहीं ना। दरअसल ये फिल्म एक साइंस फिक्शन थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा थी, जिसमें मार्स यानी वहाँ के लोगों ने अर्थ के विलन्स के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की प्लानिंग कर ली थी। फिल्म में अमीरों के हीरे और कुछ साइंटिस्ट के गायब होने की खबरें दिखाई जाती है। इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी राकेश, जिनका रोल प्रदीप कुमार ने निभाया है, और ब्लू बर्ड बने जॉनी वॉकर को मिलती है, जो हेल्प के लिए प्रोफेसर चक्रवर्ती के पास जाते हैं, जिनका रोल खुद अंसारी निभा रहे हैं। चक्रवर्ती ने वहाँ के लोगों को ट्रैक करने की एक मशीन बनाई होती है, और इसके बाद शुरू होती है एक मिस्ट्री रिजॉल्विंग चेज, जिसमें कई फन और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म इतनी ही दिलचस्प थी तो अनफॉरगेटेबल क्यों नहीं बन पाई? इसका कारण है फिल्म का लो बजट और डायरेक्टर की वो गुस्ताखी, जिसके कारण उन्होंने फिल्म में हीरो को विलेन को हराते हुए नहीं दिखाया। वो बात अलग है कि आज भी इस फिल्म की कैरेक्टर्स को कोई मिल गया कैरेक्टर से ज्यादा डायनेमिक और रियल माना जाता है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने ये फिल्म देखी है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी है। हमें ये बात कैसे पता चलती है कि ऋतिक रोशन वाकई में एक बेहद ही नेक इंसान है, और कैसे एक कदम आगे अच्छे काम है। जहाँ पर कोरोना के कारण सबसे ज्यादा जरूरी था फ्रंटलाइन वर्कर्स का सेफ रहना और उनके लिए मास्क और साथ ही साथ में सैनिटाइजर मेन प्रायोरिटी था, तो वहीं पर ऋतिक रोशन ने आई लव मुंबई फाउंडेशन के साथ मिलकर फ्रंटलाइन वर्कर्स तक ये बात पहुंचाई कि उनको अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी उन लोगों तक प्रोवाइड करवाए। अगर बात करें ऋतिक रोशन के लोगों को जागरूक करने की, उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कई वीडियो को डालते हुए बताया कि कैसे कोरोना के समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर रहना है और कैसे इस कोरोना को हराना है। तो बात करें सोशल मीडिया की, तो आई लव मुंबई फाउंडेशन के राहुल कनल ने उनकी वीडियो को रीशेयर करते हुए लिखा कि थैंक यू सो मच ऋतिक रोशन, हम आपके ये काम सच में सहारना देते हैं, और साथ ही साथ में आपके कम्फर्टेबल मास्क के लिए भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद।
मुझे यकीन है कि हमारे फ्रंटलाइनर वर्कर्स की ये मास्क काफी मदद कर रहे होंगे और उनको सेफ रखने में काफी मददगार साबित हो। अब देखा जाए तो इस चीज से यह बात तो साबित होती ही है कि वह एक बहुत भले और नेकदिल इंसान है, साथ ही साथ में यह भी दिखता है कि कैसे उन्होंने अपने पावर और फेम का सही यूज किया है। अगर बात करें उनकी अपकमिंग मूवी क्रिश 4 के बारे में तो दोस्तों, जैसे क्रिश 4 में वो क्रिश के किरदार में लोगों को बचाते नजर आए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और साथ ही साथ में जरूरतमंदों की मदद करते नजर आए। कभी किसी को पानी में डूबने से बचाते थे तो कभी किसी को आकाश में गिरने से, कभी किसी को बिल्डिंग के ऊपर बचाते नजर आए तो कभी किसी भारी चीज के नीचे दबे लोगों की मदद करते नजर आए। और ऐसी ही मदद वो असल जिंदगी में भी कर रहे हैं। इससे यह तो साफ है कि क्रिश जैसे मूवी में नजर आते हैं वैसे ही असल जिंदगी में भी हैं और वाकई वो एक बहुत ही नेकदिल इंसान है। तो दोस्तों, अब अगर फिल्म की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार फिल्म में एक खास बात यह होने वाली है कि इस बार ऋतिक रोशन डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फिल्म में हीरो भी वही होंगे, वही इस बार फिल्म में नेगेटिव रोल में भी नजर वही आने वाले हैं। और ये उनके करियर में पहली बार आपका ऋतिक रोशन और उनके द्वारा किए गए इस अच्छे काम के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और करें वीडियो को लाइक और शेयर, और करें बॉलीवुड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप जुड़े रहें फिल्मी जगत से। तो क्रिश 4 क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकती है? क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का ट्रिपल रोल होने जा रहा है? दोस्तों, पिछले डिकेड्स में हमने फ्रेंचाइज फॉर्मूला की सर्च देखी है। फिल्म मेकर्स अपनी स्टोरीज को एटलीस्ट दो पार्ट्स में प्लान कर रहे हैं, जिसे एक तो लिमिटेड टाइम में स्टोरी को स्टार्ट और कंक्लूड करने का प्रेशर नहीं होता, और ऊपर से क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट का अगर सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो डिलेड सस्पेंस स्टोरी के अराउंड हाइप को क्रिएट करने में ग्रेटली हेल्प करता है, और इससे अल्टीमेटली मेकर्स को ही फायदा होता है। इसी का प्राइम एग्जाम्पल रही थी बाहुबली फ्रेंचाइज। दोस्तों, KGF और अब इसके बाद तो हर बड़ी फिल्म अपनी स्टोरी को शुरू से ही फ्रेंचाइज में तब्दील करने पर एम करती हुई दिख रही है, जैसे गणपत चैप्टर 1 या फिर सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 और 5। तो कैसे क्रिश फ्रेंचाइज भी इस क्लिफ हैंगर कॉन्सेप्ट को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। इमेजिन अगर बाहुबली सीरीज में सिंपल वे में पहले बाहुबली की मौत दिखा दी जाती और सेकेंड पार्ट में उसके बेटे का प्रतिघात, तो क्या इस फिल्म को इतनी हाइप मिल पाती जितनी सस्पेंस डिले करके मिली? शायद नहीं। और तभी इसे एक बर्निंग क्वेश्चन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तक बड़ी क्लेवरली डिले किया SS राजामौली ने, जिससे सेकेंड पार्ट के लिए लोगों में हाइप और सस्पेंस का नतीजा इसकी मैसिव सक्सेस में मिला। शायद इसी कॉन्सेप्ट को बॉलीवुड भी समझ चुका। दोस्तों, क्रिश 4 और 5 के पास इतनी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं, जिसको लेके मेकर्स बड़े इंटरेस्टिंग वे में क्रूशियल डिटेल्स सेकेंड पार्ट के लिए डिले कर सकते हैं। इससे पहले जान लेते हैं ब्रीफ प्लॉट को। तो क्रिश 4 और 5 में ब्रॉडली होंगे काफी सारे विलन्स, जिनसे लड़ने के लिए क्रिश करेंगे टाइम ट्रैवल और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, और वापसी करेंगे जादू और रोहित मेहरा की। बस दोस्तों, इसके बाद क्या? इसके बाद ये तीन की तिगड़ी विलन्स की बैंड बजाएगी एज यूजुअल। अब दोस्तों, इन्हीं कॉन्सेप्ट में क्लिफ हैंगर आस्पेक्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में डायरेक्टली डेडली विलन्स का आतंक, उनसे लड़ने में क्रिश असक्षम, टाइम ट्रैवल करने का जुगाड़, जादू और रोहित मेहरा को वापस लाने का प्लान, और टाइम ट्रैवल में पॉसिबली ट्रैप होने की स्टोरी तक दिखाई जा सकती है। इसके बाद सेकंड चैप्टर के लिए उन विलन्स की ओरिजिन, जादू और रोहित मेहरा की वापसी का इम्पैक्ट, और फाइनली क्रिश वर्सेज विलन्स का डेडली फेस ऑफ काफी इंटरेस्टिंगली कवर किया जा सकता है।
अब दोस्तों मे बी एंडिंग से स्टार्ट करके मेकर्स इसे और भी सस्पेंसफुल बना सकते हैं। बात करें फिल्म में ऋतिक के रोल की तो कयास लग रहे हैं कि इनका फिल्म में ट्रिपल रोल होने वाला है। एक तो क्रिश का रोल, एक रोहित मेहरा का रोल और इसके अलावा बताया जा रहा है कियारा आडवाणी के साथ इनका रोल अलग से होगा जो कि क्रिश के रोल से सेपरेट होने जा रहा है। अब दोस्तों इस हिसाब से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कियारा और ऋतिक का ये न्यू इक्वेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। वीडियो में बस इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारे आज के राइटर हैं पंकज। आ रही है ऋतिक रोशन की क्रिश 4। प्रियंका चोपड़ा नहीं तो उनसे पहले कौन सी एक्ट्रेस को इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था? क्या होने वाली है क्रिश 4 की खास बातें और क्रिश 4 में कौन सी एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों भारत का पहला सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में है। क्रिश फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म का इसके प्रशंसक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्रिश 3 के रिलीज होने के बाद से ही इस खबर का इंतजार है कि इसके निर्माता कब इसके अगले भाग की घोषणा करेंगे। प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश सुपर हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करते नजर आए थे। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिश में पहले फीमेल लीड की पसंद प्रियंका नहीं थी बल्कि कोई एक्ट्रेस थी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और एक्ट्रेस थी, मैं हूं ना वाली अमृता राव। अमृता राव ने खुद इस बारे में खुलासा किया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये फिल्म क्यों छोड़ी। दरअसल उन्होंने कहा कि ऋतिक और उनकी केमिस्ट्री खास नहीं जम रही थी। उन्होंने इसके लिए फोटोशूट तक कराया था, लेकिन अमृता ने कहा कि वो ऋतिक से काफी छोटी नजर आ रही थी। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि जिंदगी में वही मिलता है जो आपकी किस्मत में लिखा रहता है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका है। वो अपनी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। Z5 ओरिजिनल में रोम कॉम वर्जन भानुप्रिया उनकी आने वाली है, जहां उन्होंने प्यारी शर्मीली भानुप्रिया का मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं उर्वशी रौतेला को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फैंस झूम उठेंगे क्योंकि क्रिश 4 में बहुत ही अहम भूमिका उनकी होने वाली है। इस लिस्ट में पहले कियारा का नाम भी आ रहा था, कृति का नाम भी आ रहा था, लेकिन उर्वशी ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। साथ ही इसमें दीपिका पादुकोण भी होने वाली है। उर्वशी रौतेला को निर्माताओं द्वारा एक भाग के लिए संपर्क भी किया गया है क्योंकि उन्हें फिल्म वर्जन भानुप्रिया और सारा जमाना हसीनों का दीवाना से बहुत पसंद किया गया है। और उर्वशी रौतेला की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो ब्लैक रोज और द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो नजर आ सकती हैं। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, और अगर ऋतिक के अपोजिट उन्हें साइन किया जाता है दोनों की केमिस्ट्री भी खूब जमेगी। तो दोस्तों आपको क्रिश 4 का कितना वेट हो रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब। आज हम एक ऐसी मूवी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरोज को हरी झंडी दी। आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे से सवाल करोगे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो वो हॉलीवुड के फेमस सुपर हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और एवेंजर्स को ही जुबान पर लेकर आएंगे। मगर जब आप कहोगे कि अगर इंडिया से नाम देना है तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आएगा और वो है क्रिश। तो सही समझे आप। आज हम बात करेंगे राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड फेमस सुपर हीरो सीरीज क्रिश की, जिसमें अब तक टोटल 3 फिल्म्स बन चुकी हैं, जो कि है कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। जहां फिल्म कोई मिल गया में रोहित मेहरा को एक एलियन द्वारा न जाने कितनी ही शक्तियां मिलती हैं, वहीं क्रिश मूवी में उनके बेटे कृष्णा को वरदान में वो शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से सबकी भलाई करता है। तो वहीं क्रिश 3 में इस मूवी के लेवल को बिल्कुल ही एक नई ऊंचाई दे दी गई है, जहां पे हमारे सुपर हीरो के खिलाफ थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर विलन, और उसमें बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्शन सीन्स थे जो कि अब तक बॉलीवुड में नहीं देखने को मिले थे। डायरेक्टर राकेश रोशन के दिमाग में क्रिश 4 का कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है और वो इस मूवी को बनाने के लिए भी काफी एक्साइटेड है। और रही बात हमारे हीरो क्रिश की, तो हमने देखा ही है कि समय के साथ साथ क्रिश की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं। जहां क्रिश मूवी में वो ऊंची छलांग लगा सकते थे और काफी तेज रफ्तार थी उनमें, तो वहीं क्रिश 3 में
उनमें बे इंतहा ताकत और उड़ने की शक्तियां भी आ गई थी। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिश 4 में हमारे हीरो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसके पास कैसी शक्तियां आएंगी और कहीं ना कहीं शायद उनमें लेजर पावर भी आ सकता है, क्योंकि क्रिश 3 में उन्हें सूरज की रोशनी से काफी ताकत मिली थी। अब क्रिश के विलन की बात करें तो सुपर हीरो मूवी का विलन भी सुपर विलन ही होगा। अब ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि कैसे राकेश रोशन क्रिश के सामने एक ऐसी ताकतवर विलन लाएंगे जो कि क्रिश को कड़ी टक्कर दे सके। इसके साथ अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक के लिए आपके अकॉर्डिंग क्रिश के पास कौन सी न्यू पावर्स आ सकती हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा, सुनने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। रोशन ने अपनी फिल्म वॉर के बाद किसी बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की है? क्या क्रिश 4 में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो फ्रेंचाइज के बारे में। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आज हम बात करेंगे क्रिश फ्रेंचाइज की मूवीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाले दिनों में क्रिश 4 पर काम जल्द ही शुरू होने वाला है, तो चलिए आज इसी पर कुछ खास चर्चा करते हैं। क्रिश फ्रेंचाइज एक सुपर हीरो सीरीज थी जिसके पहले पार्ट को रिलीज किया गया था 2003 में और इस फिल्म का नाम था कोई मिल गया। वेल दोस्तों, इस पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे राकेश रोशन और इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया था। कोई मिल गया सुपर हिट फिल्म बनी और इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर भी धाकड़ कमाई की थी। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन का ये मानना है कि क्रिश 4 उससे भी बड़ी हिट मूवी साबित होने वाली है, इसी वजह से क्रिश 4 के बजट को दुगुना कर दिया गया है। क्रिश फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म में हमें कुछ पुराने और कुछ नए किरदार नजर आ सकते हैं। साथ ही फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर रॉबिन भट्ट ने कहा कि इस पिक्चर में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल निभाते हुए दिखेंगे। साथ ही फिल्म में रोहित और जादू की एक बार फिर से वापसी होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिश 3 में रोहित की मौत हो गई थी, लेकिन क्रिश 4 में एक बार फिर से उनकी वापसी को दिखाया जाएगा और इस बार रोहित का कैरेक्टर पहले के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट होने वाला है। हालांकि अभी हमें इतना नहीं पता है कि रोहित की वापसी आखिर होगी कैसे। क्या ऋतिक रोशन स्पेस तक जाएंगे अपने पिता को वापस लाने के लिए? वेल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर रोहित की वापसी धरती पर होती है तो उनके साथ जादू की भी वापसी होगी। कैसी होगी फिल्म की ओवरऑल स्टोरी लाइन, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्रिश 4 हाई ग्राफिक्स के साथ रिलीज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर में सुपर हीरो के साथ सुपर हीरोइन भी नजर आ सकती है। एक तरफ जहां मेन लीड का किरदार निभा रहे हैं ऋतिक रोशन, तो वहीं फीमेल लीड में आपको कियारा आडवाणी इस पिक्चर में दिख सकती है। जो लोग भी प्रियंका चोपड़ा के फैन हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी आपको एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की बात करें तो क्रिश 4 में ऋतिक रोशन तीन किरदार निभा सकते हैं। जी हाँ, सुपर हीरो और सुपर विलन के तौर पर ऋतिक रोशन नजर आएंगे। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अपनी ही फिल्म में एक तरफ ऋतिक रोशन सुपर विलेन और सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पिक्चर में सुपर विलेन का किरदार जो होने वाला है वो काफी स्ट्रांग होगा, और इसीलिए राकेश रोशन ने यूएस से कुछ मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। क्रिश 4 यूं तो 2021 में ही रिलीज होने वाली थी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग ऑलरेडी बहुत पहले खत्म की जा चुकी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में जल्द ही क्रिश 4 की शूटिंग शुरू हो सकती है और इस फिल्म को 2022 में रिलीज करने की तैयारी है।
शुरुआत के दिनों में ये र्यूमर्स भी काफी चल रहा था कि क्रिश 4 का डायरेक्शन राकेश रोशन नहीं बल्कि संजय गुप्ता करने वाले हैं। वैसे राकेश रोशन ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट राइटिंग उन दोनों ने मिलकर की है, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्शन वो अकेले करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश 4 में हमें कुछ जबरदस्त एक्शन सीन्स और थ्रिल्स देखने को मिल सकते हैं जो अभी तक बॉलीवुड की किसी फिल्म में हमें देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक। काइनेटिक्स के अलावा बाकी की पावर्स काल को कैसे मिली? आखिर क्यों क्रिश ने म्यूटेंट्स को आसानी से हराया लेकिन वो काल से हार गए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऑफिशियल सुपर हीरो क्रिश के बारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन ने सिंगल हैंडेडली अपनी यूनिट के साथ मिलकर इंडिया की सबसे पहली और सबसे शानदार सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश तैयार की। राकेश रोशन की काफी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बिल्कुल बॉलीवुड फ्रेंचाइजी की तरह राकेश ने क्रिश फ्रेंचाइजी में भी बहुत ही शानदार डिटेलिंग की है। मूवी का एक बहुत ही बड़ा ग्लिच, कही जाने वाली थ्योरी जिस पे फैंस ने काफी सवाल उठाए थे, जो कि ये थी कि काल को अपनी टेलीकाइनेटिक्स की पावर रोहित मेहरा से ही मिली है, और वहीं क्रिश को भी अपनी सभी शक्तियाँ रोहित मेहरा से ही मिली है, और इसके बावजूद भी क्रिश के पास काल जैसी टेलीकाइनेटिक्स पावर्स नहीं है। कोई मिल गया मूवी में डायरेक्टर राकेश रोशन ने बखूबी दिखाया है कि जादू के पास टेलीकाइनेटिक्स पावर भी थी, और उसने अपनी सभी शक्तियों के साथ वो शक्ति भी रोहित मेहरा को ट्रांसफर की थी, तो वही रोहित से ये शक्ति पास ऑन हुई क्रिश और काल के पास। लेकिन टेलीकाइनेटिक्स सिर्फ काल यूज कर सकता था, और जब काल रोहित की बोन मैरो से वो ठीक हुआ उसके बाद तो वो काल के पास और भी ज्यादा पावर्स आ गई, इवन कि वो उड़ भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ क्रिश के पास सिर्फ स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड थी, जिनसे वो काल से टक्कर बिल्कुल भी नहीं ले पाया था। एक हेड ऑन बैटल में जब क्रिश और काल पहली बार एक दूसरे से लड़े थे, तब काल ने क्रिश को बहुत ही आसानी से ओवरशैडो कर दिया था, और क्रिश काफी आसानी से काल से हार गए थे। वहीं अगर काल की म्यूटेंट्स की बात करें तो उन लोगों को क्रिश ने काफी आसानी से हरा दिया था। यहाँ तक कि जब सबसे पहली बार क्रिश ने उनका सामना हुआ था, तब क्रिश ने तीन तीन म्यूटेंट्स को एक साथ ही हरा दिया था, लेकिन काल को नहीं हरा पाया, क्योंकि वो सभी म्यूटेंट्स काल के डीएनए के साथ मिलकर तैयार किए गए थे, और उनमें काल की शक्ति का लगभग 1/5 हिस्सा ही था। लेकिन पूरे काल को भी मोर पावरफुल से लड़ने में क्रिश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। आज के राइटर हैं अभिषेक मिकी। मूवी के थ्रू कैसे देने वाले हैं लेजेंडरी सत्यजीत राय को राकेश रोशन श्रद्धांजलि, और ये फैसला एक फायदे का फैसला होने वाला है या फिर इसकी वजह से पढ़ सकते हैं फिल्म के मेकर्स काफी उलझन में। तो दोस्तों, ये बात अनडाउटेडली क्रिश 4 इंडिया की फिलहाल मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी होने वाली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी सुपर हीरो मूवी और आती है तो दोस्तों उसका कैरेक्टर हम लोगों के लिए नया होगा, लेकिन क्रिश को हम पिछले 3 बार मूवीज में देख चुके हैं और हर बार हम लोगों को उसका कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। अब अगर बात करें क्रिश के बारे में तो इस मूवी में एक बार फिर से क्रिश आ चुके हैं एक नए मिशन को लेकर, और साथ ही साथ में खतरा इस बार इस बात का है कि इस बार मिशन में साथ देने के लिए उनके साइंटिस्ट पापा रोहित अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि क्रिश हर बार की तरह एक बहुत ही बड़ा मिशन लेके आ गए हैं,
इस बार मेकर्स ने क्रिश को सिर्फ समुंदर पार करने के लिए नहीं बल्कि गैलेक्सी और टाइम पार करने की पावर्स के साथ बनाया हुआ है। लेकिन खतरा यहाँ है कि क्रिश के पास उन पावर्स को यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब वो उस टेक्नोलॉजी की तलाश में निकलते हैं ताकि वो अपना मिशन पूरा कर पाए, तो उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो क्रिश पहुंच जाते हैं समुंदरों को पार करते हुए अमेरिका, और अमेरिका में जाके अपने पापा के कनेक्शन से बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। वहां जाकर जब क्रिश मामले की सीरियसनेस को समझ रहे होते हैं तो उसी दौरान उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। फिर बात क्या था, क्रिश ठान लेते हैं कि अपने ऊपर काम करना वो खुद शुरू कर देंगे। तो फिर क्या, क्रिश पहुंच जाते हैं उस टेक्नोलॉजी की रिसर्च के ऊपर। अब जब वो उसकी रिसर्च करते होते हैं तो उसी दौरान उनको पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी असल में अमेरिका की है ही नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के ही एक महान साइंटिस्ट की है, जिनके पास पैसे की कमी होने के कारण उन्हें अमेरिका के आगे फंडिंग के लिए हाथ फैलाना पड़ा था। और फिर क्या, अमेरिका ने उनका आइडिया इनिशियली ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उन्हीं के आइडिया पे वर्क करके मशीनरी तैयार करने लगे। लेकिन चोरी चोरी होती है और रियालिटी रियालिटी, और इसीलिए वो मशीनरी बनने के बाद भी उसकी एक भी टेस्टिंग पास नहीं हो पाती। जी हाँ दोस्तों, तो फिर क्या था, क्रिश पहुंच जाते हैं खुद उस महान साइंटिस्ट के पास और उससे बात करते हैं इस मशीनरी के बारे में। अब चूंकि इसके बारे में बात करते टाइम उनको पैसों की जरूरत होती है, तो क्रिश एक फंड रेजर स्टार्ट करते हैं, और देश और दुनिया भर से लोग क्योंकि उनको जानते हैं तो इसलिए वो उनकी पैसे जोड़ने में मदद करते हैं, और उसकी वजह से यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और टेक्नोलॉजी क्रिएट हो जाती है और गुमनाम टैलेंटेड साइंटिस्ट को उसका क्रेडिट मिल जाता है। अब अगर वहीं बात करें फिल्म के बारे में, तो दोस्तों सत्यजीत राय लेजेंडरी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्रद्धांजलि देने का ठान लिया है राकेश रोशन ने। पहले तो उनकी 100th एनिवर्सरी के अवसर पर ही वह मूवी रिलीज करने वाले हैं, और उसके बाद खास बात ये होने वाली है कि फिल्म में काम कर रहे साइंटिस्ट का लुक सत्यजीत राय से मेल खाता होगा। साथ ही साथ में इतना ही नहीं, जो फिल्म में एलियंस दिखने वाले हैं शायद उनका लुक भी सत्यजीत राय के एलियंस से ही इंस्पायर होकर बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सत्यजीत राय ने हिंदी सिनेमा को कितना कुछ दिया है और उन्होंने भारत में कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, और इसीलिए राकेश रोशन उनको देने वाले हैं श्रद्धांजलि, जिसकी वजह से सत्यजीत राय के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये चीज काफी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग और प्रमोशन में यूज की जा सके। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम, सुपर हिट मूवी के लिए क्या बदलाव करेंगे राकेश रोशन? क्या इस बार ट्रिपल रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन? आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी फ्रेंचाइजी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट सीक्वेंसेस दिए हैं। ये पहली बार ऐसे किसी मूवी में हुआ होगा जिसमें किसी एक्टर की नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह से आए एलियन की वजह से मूवी ने चारों तरफ तहलका मचा के रख दिया। आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर हीरो फिल्म क्रिश फ्रेंचाइजी के बारे में। क्रिश फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल कोई मिल गया था जिसमें दूसरे ग्रह से आया एलियन जिसका नाम जादू रखा गया था, उसे दर्शकों और खास तौर से बच्चों का खूब प्यार मिला। इस मूवी के हिट होने की एक वजह ये भी थी कि इससे पहले बॉलीवुड में ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं लाया गया था, और अगर बात करें हॉलीवुड की तो वहाँ पे ऐसी एलियन कॉन्सेप्ट की साइंस फिक्शन मूवीज तो बनती ही रहती है, मगर राकेश रोशन ने अपनी बॉलीवुड फिल्म में एलियन को ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करके दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। ये एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। जादू अपने घर जाने से पहले अपनी शक्तियों को रोहित मेहरा में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद ये सुपर पावर्स उसके बेटे कृष्णा में भी आ जाती हैं और फिर कृष्णा से उसके बेटे में। अभी तक इन मूवीज में क्रिश का डबल रोल रहा है। पहली बार इंडियन सुपर हीरो की कोई कहानी बॉलीवुड में लाई गई थी। मूवी के सभी सीक्वल काफी हिट रहे हैं, मगर बावजूद इसके इस मूवी में क्रिश के कॉस्ट्यूम को लेकर हमेशा से ही मजाक बनाया जाता है। हर बार क्रिटिक्स का कहना है कि एवेंजर्स के सुपर हीरो जैसे कोई इनोवेटिव कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो। फिलहाल क्रिश 4 में भी ऋतिक के कॉस्ट्यूम को लेकर कोई डिस्कशन अभी तक तो नहीं चल रहा। क्रिश के सभी सीक्वल्स में VFX, सिनेमाटोग्राफी, एंटरटेनमेंट वैल्यू, विजुअल इफेक्ट्स को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, मगर बावजूद इसके अगर आप ध्यान दें मूवी के तीनों सीक्वल पर तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि क्रिश मूवी शुरू हुई थी कोई मिल गया कहानी से जिसका मोटिव और मेन प्लॉट एलियंस के आसपास था। क्रिश 2 और क्रिश 3 में कहीं ना कहीं देखा
देखा गया कि मूवी की स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट से भटक गई। ऑडियंस और क्रिश फैंस फिल्म के हर सीक्वल में जादू को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइजी में जादू वापस आ जाए और ये फ्रेंचाइजी अपने ओरिजिनल प्लॉट पर आ जाए। मगर अब मेन बात यह है कि जादू आएगा कैसे। जादू को सिर्फ रोहित मेहरा ही वापस बुला सकते थे। रोहित के पिता ने वो कंप्यूटर डिजाइन किया था जिससे उनका एलियन से कनेक्शन हुआ करता था और उनके कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ रोहित मेहरा चला सकते थे। सूत्रों के मुताबिक क्रिश 4 में टाइम ट्रैवल की स्टोरी दिखाई जाएगी। कृष्णा समय में वापस पीछे जाकर अपने पापा रोहित मेहरा को वापस लाएगा और उनके जरिए जादू को भी वापस बुलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि समय में वापस पीछे जाकर जादू को बुलाने की आखिर जरूरत क्या पड़ेगी। चाहते तो सब है कि जादू वापस आ जाए, मगर अचानक से जादू को फिल्म में देखना थोड़ा अटपटा तो हो ही सकता है। तो आखिर क्यों और कौन सी सिचुएशन से जादू की एंट्री होगी। और हम फिल्म मेकर से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई नया म्यूटेंट ना लेकर आए कहानी में और कहानी के ओरिजिनल प्लॉट पर टिक जाएं। राकेश रोशन ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, मगर जहां तक स्टोरी हमने देखी है देखा गया है कि ऋतिक रोशन ने बाप और बेटे दोनों का रोल खुद ही निभाया है। और अब क्रिश 3 में हमने देखा था कि उनके बेटे का जन्म हुआ जिसमें वही सुपर पावर्स हैं। तो क्या अब अपने बेटे के रोल को भी वही निभाएंगे और क्रिश 4 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे, या फिर उनके बेटे के रोल के लिए किसी और एक्टर को हायर किया जाएगा। एक्टर को हायर करने का मतलब है कि फिल्म में टाइम लैप्स दिखाया जाएगा जहां बेटा उन्हीं शक्तियों के साथ बड़ा होता है। तो क्या ये भी क्रिश जूनियर बनकर दुनिया की रक्षा करेगा, या फिर जैसे रोहित की दादी ने उससे उसकी शक्तियां छुपाई थी वैसे इससे भी इसकी शक्तियां छुपाई जाएंगी और फिर इसे एकदम से सब कुछ सच पता चलेगा। खबरों की माने तो इस बार क्रिश 4 के लिए कियारा आडवाणी को साइन करने की बात चल रही है। तो क्या हम ये मान ले कि अब क्रिश फ्रेंचाइजी से प्रिया मेहरा बाहर हो चुकी हैं और कियारा आडवाणी किस रोल में नजर आएंगी। पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हुई तो कहानी में जूनियर सुपर हीरो की प्रेमिका बनकर नजर आएंगी, या फिर फिल्म के प्लॉट से आ रही खबरों की माने तो ये क्रिश को टाइम ट्रेवल करने में मदद करने वाली है। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अभी तक क्रिश फ्रेंचाइजी फर्स्ट मूवी के प्लॉट से आगे की कहानी कंटिन्यू कर रही है, इस बार भी क्रिश के बेबी बॉय का होना इस मूवी में कंफर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने रोल में ऋतिक रोशन नजर आएंगे। आपके हिसाब से इस बार कहानी में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या रहेगी जूनियर क्रिश की परफॉर्मेंस, हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी। क्यों सत्यजीत रे की इस नेवर फिनिश्ड फिल्म को राकेश रोशन ने पाया उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए परफेक्ट। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। क्रिश सीरीज को हम बॉलीवुड के उस आउटसाइडर की तरह देख सकते हैं जिसने धीरे धीरे स्टडी कदमों के साथ ऑडियंस के दिलों पर अपना राज जमा लिया है। कोई मिल गया से शुरुआत हुई जिसे बच्चों की मूवी और उस समय बॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कैटेगरी में डालकर अलग कर दिया गया। भले ही फिल्म हिट रही लेकिन हर बॉलीवुड साइंस फिक्शन क्रिटिसिज्म या जोक में फिल्म का नाम आने लगा। अब प्यारे एलियन से सब पर अपना जादू चलाकर उनको दिलों के दरवाजे खोलने के बाद बारी थी सुपर हीरो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, जिसमें दस्तक दी थी ब्लैक कैप वाले हीरो ने जिसका नाम था क्रिश। फिर क्या था, क्रिश ने अपनी वो जगह बना ली जिस पर उसकी नजर थी और जिस फिल्म के सीक्वल्स के अनाउंसमेंट सुनकर लोगों को खास फर्क भी नहीं पड़ता था और सिर्फ फ्री टाइम होने पर ही लोग जिसे थिएटर्स में देखने जाते थे अब उसके सीक्वल की लोग राह देखने लगे। तो अपनी प्लानिंग में इतने सक्सेसफुल होने के बाद अब राकेश रोशन का अगला कदम क्या होगा, अब वो ऑडियंस पर किस तरह अपना जादू चलाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस फिल्म के रिजेक्शन पीरियड के बाद की है। दरअसल रे की इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कोलंबिया पिक्चर्स ने हामी भरी थी लेकिन बाद में ये फिल्म कैंसिल हो गई। इसके करीबन 14 साल बाद स्टीवन की क्लासिक मूवी ईटी रिलीज हुई जिसकी कहानी यहाँ तक कि एलियन का अपीयरेंस और स्क्रीन प्ले भी सत्यजीत रे से काफी मिलता जुलता था। एक रिपोर्टर जिन्होंने रे से इस बारे में बात की थी उन्होंने भी कहा था कि मैं रे की द एलियन की स्क्रीन प्ले से हैरान रह गया क्योंकि वाकई दोनों कहानियों में इवन लुक्स में कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। हालांकि स्टीवन ने इन खबरों को पूरी तरह से ये कहकर नकार दिया कि जब द एलियन की बातें चल रही थी तब वो हाई स्कूल में थे। लोगों ने रे से इस मैटर को आगे बढ़ाने की बात कही थी लेकिन रे ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें स्टीवन एज अ डायरेक्टर पसंद थे। आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक ऐसी फिल्म जो पूरी बनी भी नहीं और जो कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी हुई है उससे राकेश रे को ट्रिब्यूट कैसे दे पाएंगे। वैसे इसका जवाब है हमारे पास लेकिन इसे जानने के लिए आप कैसे इंडिया के बिगेस्ट एवर डायरेक्टर को अपनी फिल्म से ट्रिब्यूट देने के प्लान में है राकेश रोशन। क्या है हॉलीवुड की इस कल्ट फिल्म की इंडियन सिनेमा से आइडिया चुराने की कहानी।
तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करेंगे क्रिश फोर फिल्म से रिलेटेड काफी दिलचस्प बातों के बारे में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त लगाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्रिश फोर राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड ऋतिक रोशन स्टारर एक अपकमिंग फिल्म है, जिसके लिए लोगों की एक्साइटमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रही। और कभी फिल्म में चार ऋतिक, तो कभी जादू की वापसी, तो कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री, तो कभी टाइम ट्रैवल की खबरें इस एक्साइटमेंट को सातवें आसमान का सफर कराती ही रहती हैं। लेकिन अब तो ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे शायद सभी सिनेमा के फैंस के चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ जाने वाली है। एक्साइटेड टू नो? तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सक्सेसफुल वही जो अपडेटेड है, वो डेज और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में बदलाव लाता है। और इस बेसिक सी बात से हमारे डायरेक्टर साहब राकेश रोशन कैसे अनजान हो सकते हैं? तो उन्होंने सक्सेस के इसी मंत्रा को अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश फोर में आजमाने का फैसला किया है। अब आपको तो पता ही है कि इस साल हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर, जिनके चर्चे पूरे वर्ल्ड में हैं, यानी कि आर वेरी ओन सत्यजीत रॉय की 100th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसे में राकेश रोशन ने फैसला किया है कि वो अपनी क्रिश फोर से इस कभी ना भुलाए जाने वाली शख्सियत को ट्रिब्यूट देंगे। और ये फैसला इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि क्रिश फोर से बेहतर फिल्म इस काम के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? तो क्योंकि इस फिल्म से जादू की वापसी की खबरें आ रही हैं, जो कि एक एलियन है। आपको बता दें कि सत्यजीत रॉय भी द एलियन नाम की एक फिल्म पर काम करना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही ना पाई। इसकी स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी थी कि कोलंबिया पिक्चर्स ने इसे बनाने के लिए हामी भरी थी। एक्टर्स भी फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन फिर कुछ कोऑर्डिनेशन और रोल इश्यूज के कारण धीरे धीरे कन्फर्म्ड कास्ट ने अपना नाम वापस लेना शुरू किया और इस तरह ये फिल्म बन ही ना पाई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि 15 साल बाद बनी स्टीवन स्पिलबर्ग की क्लासिक ईटी फिल्म पर सत्यजीत रॉय ने उनकी स्टोरी प्लेजराइज करने के इल्ज़ाम लगाए थे। अब ये इल्ज़ाम सही थे या गलत जानना चाहते हो तो हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे।